लोकल एसईओ का ये कंप्लीट कोर्स मैं हितेश गुप्ता आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं। दोस्तों लोकल एसईओ बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप फिजिकल लोकेशन पे काम करते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई शोरूम है, कोई स्टोर है, कोई इंस्टीट्यूट है या ऐसा ही कुछ, तो आप चाहेंगे कि आपके एरिए में आपकी विजिबिलिटी बढ़े, लोग आपके बारे में ज्यादा जाने, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जाने और आपके स्टोर पे, शोरूम पे या इंस्टीट्यूट पे फुटफॉल बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपको सर्च इंजन पे, गूगल जैसे सर्च इंजन पे लोकल एसईओ करना, अपनी वेबसाइट को, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। तो दोस्तों गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर ये कंप्लीट कोर्स है जो कि आपको लोकल एसईओ में मदद करता है, लोकल एसईओ की रैंकिंग, लोकल एसईओ के थ्रू ट्रैफिक, फोन कॉल्स, जो कस्टमर्स हैं उनको हेल्प करता है आपके ऑफिस या स्टोर तक आने में। तो ये जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, जिसमें हम आपको टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज और हर चीज प्रैक्टिकल सेटअप करना सिखाएंगे। तो इसलिए लोकल एसईओ बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिजनेस चाहिए, लीड्स चाहिए, सेल्स चाहिए, आप चाहते कि कस्टमर आपके स्टोर पे आए, आपके इंस्टीट्यूट में आए, आपके ऑफिस में आए, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं एंड टू एंड। दोस्तों अगर आपके बिजनेस को इससे फायदा होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप इसको लोगों तक शेयर करेंगे तो उनके भी बिजनेस में हेल्प होगा, हमारा इंडिया डिजिटल होगा। तो कंप्लीट सीखिएगा इस कोर्स को, अप्लाई कीजिएगा और रिजल्ट 100% आएंगे। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में आप हमारे चैनल से गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हो फ्री में। ऑलरेडी 1200 से ज्यादा वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को इनडेप्थ ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है, ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि गूगल माय बिजनेस क्या होता है, लोकल सर्च किसको कहते हैं और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये गूगल माय बिजनेस एक टूल है, कह लीजिए एक ऐप है, एक फीचर है जो गूगल ने प्रोवाइड करा है बिजनेसेस को कि वो मैनेज कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें अपनी बिजनेस प्रोफाइल को गूगल पे। दोस्तों गूगल माय बिजनेस जो अकाउंट होता है वो हमको एनेबल करता है कि हम एक्सेस, मैनेज, कस्टमाइज कर सकें और अपनी प्रोफाइल को और बेहतर बना सकें, इंप्रेसिव बना सकें, और ये टोटली फ्री है। यू कैन नॉट मैनेज द इंफॉर्मेशन दैट गूगल डिस्प्लेज ऑन SERP एंड ऑल्सो रिव्यूज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले में, जैसे आप ये जो राइट हैंड साइड पे देख रहे हो इमेज, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आती है, ठीक है, उसको जो ऐसा वो गूगल के हाथ में है कि वो उस चीजों को कैसे शो करता है, कहाँ शो करता है, किस तरीके से उसका अलाइनमेंट रखता है, ठीक है, तो वो कैसे उसमें प्रायोरिटी देता है, किसको ऊपर नीचे, वो सब गूगल के हाथ में है, उसमें हम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। जो रिव्यूज हैं, जो पब्लिक देती है, जो रिव्यूज आप देख रहे हो, वो भी हम उनको मैनेज नहीं कर सकते। अब गूगल माय बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ था जून 2014 में। अब दोस्तों बिजनेस प्रोफाइल क्या है? बिजनेस प्रोफाइल गूगल पे जो हम बनाते हैं वो हेल्प करती है बिजनेसेस को शो अप When it matters most। इसका मतलब यह है कि जो कस्टमर्स जब सर्च करते हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, और अगर वो हमारे से रिलेटेड है और हमारे उनके हमारा उनके लोकल एरिया के अंदर आता है तो वो उनकी लोकल लिस्टिंग के अंदर शो होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है तो मैंने अपनी एक बिजनेस प्रोफाइल या बिजनेस लिस्टिंग गूगल माय बिजनेस पे बना दी, ठीक है। अब वो बनाने के बाद क्या होगा कि अगर मेरा बिजनेस जो है वो मान लीजिए दिल्ली के अंदर प्रीत विहार में है,
तो अगर कोई भी पर्सन मेरे बिजनेस सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेगा, ठीक है, अपने लोकल एरिया में, तो वहां पर उसको मेरा भी गूगल लिस्टिंग के अंदर जो वेबसाइट है, डिटेल्स हैं मेरे बिजनेस की, वो वहां दिखेंगी। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगा कि वो कैसे दिखती हैं और कैसे कैसे वो शो होती हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो कि जब हम एक बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, उसका मतलब ये ही होता है कि हम अपने बिजनेस को गूगल मैप पे ऐड कर रहे हैं। तो गूगल मैप पे आपको अपने बिजनेस को लेकर आना है, या आपको गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग करनी है, या आपको गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है, ये सब एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, जैसे कि मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन प्रीति विहार, मैंने सर्च करा, तो यहां पर आप लिस्टिंग में देख सकते हो मार्केटिंग फंडास का भी ये शो कर रहा है टॉप में। ठीक है, दूसरा भी हमारी ही कंपनी का आ रहा है, मीडिया भाई का, और तीसरा कोई और आ रहा था, ये हमारे लोकल एरिया के अंदर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लोकल सर्च। अब दोस्तों, लोकल सर्च क्या है? कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी पर्सन यूजर ऑनलाइन अगर अपने आसपास, ये मान लीजिए या तो वो वहाँ रहता है या वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में गया है, ठीक है, अगर वो वहाँ पर सर्च करता है कि लाइक बेकरी नियर मी, तो वो अपने आसपास की लोकेशन में जो बिजनेसेस हैं या उससे रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं, उनको ही तो देखना चाहेगा। बेसिकली यही काम है लोकल सर्च का, कोई बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। लोकल सर्च का मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन में अगर आप अपने, अगर मान लो आपका स्टोर है, आपका शोरूम है, आपका ऑफिस है, आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या आपकी कोई उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो आप तो आपकी कोई शॉप है, तो आपको क्या करना है? आप भी तो यही चाहोगे कि उस एरिया के आसपास अगर कोई इससे रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस या मेरा नाम या मेरे बिजनेस को ढूंढे, तो मेरी लिस्टिंग भी आए गूगल में, ताकि लोग अगर उस पर्टिकुलर एरिया में अपनी लोकेशन में उनको वो चीज़ मिल रही है, तो ऑब्वियसली लोग बाहर क्यों जाएंगे, उनको वही रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है नियर मी। तो लोकल में अगर कोई भी पर्सन ढूंढता है बेकरी नियर मी, ठीक है, स्टोर नियर मी, ज्वेलरी शॉप नियर मी, ठीक है, कॉफी शॉप नियर मी, इस तरीके से ये जो कीवर्ड है लोकल सर्च के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसमें कंट्री, स्टेट या सिटी मैटर नहीं करती जब हम गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग की बात करते हैं, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि गूगल में, गूगल हमारी जो लिस्टिंग है कब शो करेगा, कैसे शो करेगा, कैसे काम करता है, वो भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे करता है इसी वीडियो में ही। तो मेन है गूगल माई बिजनेस जो अकाउंट है वो क्रिएट करा जाता है, ताकि आप अपने बिजनेस को गूगल सर्च इंजन पे लिस्ट कर सकें, अपनी प्रॉपर बिजनेस प्रोफाइल बना सकें, ताकि लोग जो वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में उस बिजनेस को, उस प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढ रहे हैं, वो उन कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके रिव्यूज देखते हैं, और अगर उनको वहां पर आपके बिजनेस से कॉन्टेक्ट करना होता है तो वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट पर भी वो विजिट कर सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं, आपको रिव्यू रेटिंग भी दे सकते हैं। तो ये सारे जो पर्पस है, ये कैसे सॉल्व होगा, आपकी सर्च इंजन विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगी गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करके, प्रोफाइल बना के, जो कि हम आपको इस कोर्स के अंदर प्रॉपर बनाना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाली वीडियो में। तो ये करना जरूरी है, और अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। अब मान लो मैं यहां पर डालता हूं ज्वेलर्स, ठीक है, ज्वेलरी शॉप, या मैं स्टोर डाल देता हूं, ज्वेलरी स्टोर नियर मी। ठीक है, अब जैसे मैंने सर्च करा ज्वेलरी स्टोर नियर मी, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपने एरिया के आसपास सर्च करना था, अगर कोई यूजर ऐसे सर्च करे, ठीक है, तो उसको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले गूगल मैप दिखाई देगा, गूगल मैप के नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो लोकल लिस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, थीके? जो गूगल माई बिजनेस के थ्रू शो हो रही होती हैं, जिसमें बिजनेस की पूरी डिटेल्स होती हैं। अब यहाँ पर नीचे, उसके नीचे जो आप देखोगे वो है SEO रिजल्ट। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स की। तो अगर कोई भी पर्सन अपने एरिए में गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है कि दिस कॉफी शॉप नियर मी, ज्वेलरी स्टोर नियर मी, चाहे मोबाइल पे चाहे डेस्कटॉप पे, जब वो सर्च करता है तो उसको इस तरीके से गूगल मैप में वो लोकेशंस दिखाई देती हैं,
और यहाँ पर वो तीन लिस्टिंग दिखाई देती है। अगर ज़्यादा देखनी है तो आपको व्यू ऑल पे जाना पड़ेगा, और जब आप व्यू ऑल करोगे तो यहाँ पर जो स्टोर्स मेरे, क्योंकि मैं डेली प्रीत विहार में हूँ, तो उसके आसपास के जो एरियाज हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर राजधानी एनक्लेव है, ये अलग अलग जितने भी ज्वेलर्स आ रहे हैं ये हमारे एरिया के आसपास हैं, विकास मार्ग के आसपास है, ठीक है। तो ये मेरे आसपास के लोकेशंस के मेरे को यहाँ पर पूरी लिस्टिंग्स दिखाएगा, यहाँ पर मेरे को वो लोकेशंस भी दिखा देगा, देखो ज्वेलर्स वगैरह का दिखा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं चाहूँ क्लिक करके उस ज्वेलर की पूरी लिस्टिंग, पूरी डिटेल्स वगैरह भी देख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पर लाइक मनोहर लाल ज्वेलर्स का देखना है, तो मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा इधर, हाँ, तो यहाँ पर ही पूरी लिस्टिंग आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकी वेबसाइट पे भी जा सकता हूँ, अगर इन्होंने वेबसाइट डाली हुई है यहाँ पर, तो वो पूरी कैसे आप लिस्टिंग करोगे अपने बिजनेस की, एक एक स्टेप, और क्या क्या होना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, वो सब भी हम आपको सिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोज में। तो यहाँ पर प्रॉपर लिस्टिंग हो रखी है सारी चीज़ों की, ये सब आप देख सकते हो, और ये सब चीज़ आप भी कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। इससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं और आपको काफ़ी इंक्वायरीज भी आती हैं, वो कैसे आएंगे सब हम सिखाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने लोकली सर्च करा था तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, मगर अब मान लो मैंने ज्वेलरी स्टोर नियर मी डाला, अब मैं नियर मी नहीं डाल रहा, मैं नहीं डाल रहा नियर मी, मैं ज्वेलरी स्टोर दिल्ली डाल देता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ दिल्ली में प्रीत विहार में बैठा हूँ छोटी सी जगह पे, बट मैंने पूरा दिल्ली कर लिया जी। अब जब मैंने ज्वेलरी स्टोर दिल्ली करा तो क्या हुआ, तब भी गूगल माय बिजनेस ने, आप ध्यान दोगे, गूगल माय बिजनेस ने क्या दिखाया, मेरे आसपास के ही ज्वेलर्स दिखाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक, देखो प्रीत विहार, ये हमारे आसपास के सारे ज्वेलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोकेशन में भी क्या देखोगे, हमारे ही आसपास की सारी प्रीत विहार के आसपास की लोकेशंस के दिखा रहा है, ठीक है। चलो, अब तो ये वाली बात हो गई, मैं आप दिल्ली की जगह यहाँ पर डाल देता हूँ इंडिया, ठीक है, मैंने ज्वेलरी स्टोर इन इंडिया डाल दिया। अब मैंने तो इंडिया डाला है तो मेरे को तो इंडिया के दिखाएगा। तो दोस्तों, ये जो रिजल्ट्स हैं ना, वो यहाँ नीचे फर्क हो सकते हैं, क्योंकि एसईओ में कीवर्ड के हिसाब से रेटिंग्स आती हैं, जो भी कंपनियां एसईओ कर रही हैं उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रही हैं, वहां चेंज होंगे। बट जब हम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की बात करते हैं, तो वहां पर जो रिजल्ट शो होते हैं, चाहे मैं ऊपर ज्वेलरी स्टोर इंडिया में ढूंढूं, दिल्ली में ढूंढूं, ठीक है, चाहे नियर में ढूंढूं, वो मेरे को गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में जो रिजल्ट्स दिखाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, वो मेरे लोकल के ही दिखाएगा, बिकॉज ये बना ही सिर्फ लोकल, क्योंकि कोई पर्सन प्रीत विहार में है और मान लो वो सर्च कर रहा है कि भाई दिल्ली के, सॉरी दिल्ली के मेरे को ज्वेलर्स के स्टोर्स देखने हैं, या मेरे को स्किन क्लिनिक्स देखने हैं दिल्ली में, ठीक है, या मेरे को क्या कहते हैं इंडिया में स्किन क्लिनिक्स देखने हैं, बेस्ट स्किन क्लिनिक्स, ठीक है, या ज्वेलरी स्टोर्स, बट वो सारे रिजल्ट्स पेड एड के थ्रू चाहे गूगल दिखाए, अगर अलग अलग लोकेशंस के, चाहे एसईओ के थ्रू रिजल्ट्स आए अलग अलग कंपनीज के अलग अलग लोकेशंस के, बट गूगल माय बिजनेस में, गूगल लिस्टिंग में जो रिजल्ट्स आएंगे वो जहां सर्च कर रहा है उसी लोकेशन के आएंगे। अब चाहे वो आपकी आईपी को ट्रैक कर रहा है, चाहे गूगल आपके मोबाइल से जीपीएस को कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, बट वो रिजल्ट आएंगे। आप यहाँ पर क्लिक भी करके देख सकते हो, मैं ज्वेलरी स्टोर इंडिया में ढूंढ रहा हूँ, बट मेरे पास कौन से आ रहे हैं, जो मेरे आसपास के, जो मेरी लोकेशन के आसपास के हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। गूगल माय बिजनेस बना है और सिर्फ लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लोकल बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने एरिया में चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचो, तो आप टॉप 3 में बने रह सकते हो, और उन टॉप 3 में कैसे बनना है वो इस कोर्स में आप सीखोगे, किन चीजों को फॉलो करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, टिप्स ट्रिक्स, इनके फायदे, हर चीज आप सीखोगे। तो उम्मीद करता हूँ लोकल सर्च क्या होती है और कैसे गूगल माई बिजनेस काम करता है, वो क्या शो करता है, कैसे लोगों को शो करता है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आपको गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आप इसको फॉलो कीजिएगा, आप भी इजीली बना सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए अगर आपको गूगल माई बिजनेस में अपना अकाउंट बनाना है। तो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाने के लिए
अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो गूगल माई बिजनेस गूगल में सर्च कीजिए, आपके पास वेबसाइट आएगी। अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लो गूगल माई बिजनेस की, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है, इधर क्लिक करो। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो बिजनेस प्रोफाइल के लिए आपके पास गूगल माई बिजनेस का अकाउंट का पेज ओपन हो गया। इफ़ यू वॉन्ट इसके आप कुछ और जैसे तो मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बताए हैं गूगल माई बिजनेस अकाउंट बनाने के प्रीवियस वीडियोज में, बट अगर आपको और जानकारी लेनी है तो यहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, कि क्यों आप बना रहे हो एक गूगल माई बिजनेस का अकाउंट। और अगर आपको पहली बार शुरुआत कर रहे हो, मोबाइल यूजर्स को ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल माई बिजनेस की, ठीक है, ऐप अपने ऐप प्ले स्टोर में जाके, और जो डेस्कटॉप से बना रहे हैं वो सीधा मैनेज नाउ पे यहाँ क्लिक करेंगे। तो मैनेज नाउ पे क्लिक करने के बाद तो दोस्तों अब हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हो हम एंटर कर चुके हैं प्रोसेस में कि अब हम अपना अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो स्टेप्स आएंगे, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो यहां पर आपको अगर नया पहली बार बना रहे हो आप, ठीक है, अगर मान लो आपके और भी अकाउंट्स हैं अदर कंपनीज के हैं तो उनको यहाँ पर नाम डाल के आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने डाला मार्केटिंग फंडास, ठीक है। तो जैसे मार्केटिंग फंडास डाला जाएगा तो उसका यहाँ पर वो लिस्टिंग दिखाएगा, ठीक है, देख रहे हो। अब क्या है, हमको तो नया बनाना है। मान लो आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो या अपने दूसरे बिजनेस के लिए बना रहे हो तो आप ऐड योर बिजनेस टू गूगल करो। तो जैसे आप करोगे ऐड योर बिजनेस टू गूगल तो यहाँ पर पहले आ गया क्रिएट प्रोफाइल। तो यहाँ पर बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी आपको देना पड़ेगा। तो बिजनेस नेम हम अभी दे देते हैं मार्केटिंग LLP, ये मैं डेमो के लिए दे रहा हूँ, बस सिखाने के लिए दे रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बिजनेस नेम दे दिया और यहाँ पर हम कैटेगरी दे देते हैं मार्केटिंग की, मैं मार्केटिंग एजेंसी की मैं कैटेगरी दे देता हूँ, या हम आपको अगर आपका जो भी बिजनेस है आपको जो कैटेगरी देनी है वो आप कैटेगरी दे दीजिएगा, मैं मार्केटिंग एजेंसी की या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कैटेगरी दे सकता हूँ, क्योंकि तो हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, हम ऑफलाइन ट्रेडिशनल सब में, इसलिए हम मार्केटिंग का दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमें जैसे नेक्स्ट करेंगे ना तो हम इनकी टर्म एंड कंडीशंस एग्री कर जाएंगे। अगर आपको पढ़नी है तो टर्म एंड कंडीशंस प्राइवेट पॉलिसी पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करोगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, डू यू वॉन्ट टू एड अ लोकेशन, कस्टमर कैन विजिट। हाँ तो दोस्तों ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप गूगल मैप पे तब आओगे जब आप एक लोकेशन लगाओगे, और गूगल माई बिजनेस में आने का ही फायदा तब है जब आपका कोई स्पेसिफिक ऑफिस है, स्टोर है, किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में आपकी प्रेजेंस आपको लोगों तक पहुंचानी है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी। तो यहां पर आपको क्या करना है, यस, ठीक है, तो यस करने के बाद नेक्स्ट कर देना। तो जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे क्या आ रहा है, व्हाट इज द एड्रेस, कंट्री जो भी है हमारे इंडिया है, हम इंडिया करेंगे। स्ट्रीट एड्रेस तो अभी के लिए मैं यहाँ पर डमी के लिए ले लेता हूँ। तो ये मैंने अभी हमारा एड्रेस और सिटी और पिन कोड वगैरह डाल दिया। स्टेट हम अपना दिल्ली ले लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हमने अपनी डिटेल डाली, इज दिस योर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर कई बिजनेसेस शो हो रहे होंगे, बाई चांस अगर वो उस एड्रेस के आसपास आ रहे हैं, मेरे प्रोफाइल से मैचिंग हो रहे हैं तो आपको दिखाएगा। बट हम तो नया क्रिएट कर रहे हैं ना दोस्तों, तो हमें नया क्रिएट करना है तो हम नन ऑफ दीज करेंगे कि नहीं ये नहीं है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट करा है, क्या पूछ रहा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। तो क्या हम डिलीवरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या ऑफिस विजिट्स या होम विजिट्स क्या। तो यहाँ पर हम आपको अपने बिजनेस के हिसाब से देना है कि यस या नो। तो मैं तो यस करूंगा, ठीक है। मान लो आपका कोई स्टोर है, आप लोगों की होम डिलीवरी कर प्रोवाइड करते हो या सर्विसेज देते हो तो आप डालिए, और ऑफिस विजिट भी लोग कर सकते हैं तो ऑब्वियसली यस कीजिए। इधर आपको यस ही करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टोर को हमारे लोकल एरिया में लोग विजिट भी करें, और हम भी अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट सर्विस डिलीवर कर सकते हैं तो हम भी करेंगे उनको। ये करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही अब हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो ऐड द एरियाज यू सर्व, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये आप
अभी ऐड करना चाहे अभी कर सकते हो, अगर बाद में जब हम आपको प्रॉपर लिस्टिंग को सेटअप करना सिखाएंगे, उसको ऑप्टिमाइज करना सिखाएंगे, तब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एरियाज डालना है, अभी मैं वन एक एरिया डाल देता हूं। ठीक है, बाद में जैसे मैंने यहां पर प्रीत विहार डाल दिया, ठीक है, और मैं ऐड करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं, जैसे मान लो मैंने यहां पर लक्ष्मी नगर भी डाल दिया, ऐसे करके अभी मैं डाल रहा हूं, बाद में मैं आपको सब मैनेज करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट करते हैं, तो इस तरीके से हमने कर दिया। अगर मान लो आप दूसरे एरियाज में सर्व नहीं करते, जो आप लोकेशन डाल रहे हो उसके अलावा नहीं करते, तो आप मत डालना, वो आपकी मर्जी है। एड कॉन्टेक्ट इन्फो, ऑब्वियसली दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉन्टेक्ट इन्फो डालना, तो यहां पर आप अपना नंबर डाल सकते हो, यहां पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, और यहां पर अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है हाल फिलहाल, तो आप अभी के लिए आई डोंट हैव अ वेबसाइट कर सकते हो और नेक्स्ट कर सकते हो। वेबसाइट है तो डाल देना, नहीं है तो आप हटा भी सकते हो, आई डोंट हैव अ वेबसाइट भी कर सकते हो और नेक्स्ट भी कर सकते हो। अब दोस्तों स्टे इन द नो, वांट अपडेट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल, क्या आप अपने बिजनेस के लिए गूगल से रिकमेंडेशंस चाहते हो? तो दोस्तों मेरी नजर में आप इसको यस करना, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल रहेगा गाइडेंस में भी। नेक्स्ट कीजिए। अब नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो, अब हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करो गूगल के ऊपर। ठीक है, तो हमें अपने बिजनेस को वेरीफाई करना है, तो मैं नेक्स्ट करूंगा। अब जैसे नेक्स्ट करूंगा तो ये यहां पर हमसे ऐड योर सर्विसेज के बारे में पूछ रहा है, तो मैं क्या क्या मार्केटिंग एजेंसी में क्या क्या सर्विसेज देता हूँ। तो अब मान लो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की देता हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी इज अ डिफरेंट थिंग, और उसके अंदर जो आप सर्विसेज देते हो वो टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि मान लो मेरी कैटेगरी मार्केटिंग है, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैं कॉन्टेंट मार्केटिंग सर्विसेज, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज देता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ। शो मोर करूंगा तो ये और मेरे को दिखाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं और जो जो देता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग में सब सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अगर आपकी कोई सर्विस यहाँ शो नहीं हो रही और आप खुद से ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर जाके आप एक कस्टम सर्विस भी ऐड कर सकते हो सकता है आपकी ऐसी सर्विस को दूसरा नहीं दे रहा है, तो आप अपना ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर दो ये करने के बाद, तो अब जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे, अभी आपसे पूछेगा आपके बिजनेस आर्स क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको लिस्टिंग में सेटअप करना सिखाऊंगा, जब मैं आपको प्रॉपर लिस्टिंग समझाऊंगा, ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्किप करते हैं। तो अब यहाँ पर एड मैसेजिंग, तो अब हमें क्या है, हमें लेट कस्टमर्स मैसेज योर बिजनेस ऑन गूगल फॉर फ्री, क्या लोग मैसेज कर सकते हैं आपको गूगल पे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हम यही चाहते हैं कस्टमर मैसेज करें, तो इसको आप ऑन ही रखिएगा और नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर एड डिस्क्रिप्शन टू योर बिजनेस, कुछ आप डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में बनाइए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, और वो डिस्क्रिप्शन आपके कुछ की पॉइंट्स, आपकी की सर्विसेज, कुछ अच्छे ऑफर्स और कुछ सॉल्यूशंस लोगों को बताएं आप उसके अंदर, ताकि लोग डिस्क्रिप्शन से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग ज्यादा फिर प्रेफर होता है कि हाँ ये हमको बेटर लग रहा है तो चलो इससे बात करते हैं, क्योंकि वहां और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा कीवर्ड रिच हो, थोड़ा उसके अंदर आप चीज सॉल्यूशंस को, ऑफर्स को, यूएसपी को एड्रेस करो। तो अभी के लिए तो मैं यहां पर दोस्तों स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ये सब मैं आपको करना सिखाऊंगा प्रोफेशनली, तो अभी के लिए चीजें मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी कस्टमाइजेशन, सारी चीजों को सेटअप करने में बहुत बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो मैं आपको जब हम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को सेटअप ऑप्टिमाइज करना सिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोज में, हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे, अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एडवर्टाइज इजिली इन मिनट्स, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल, अभी हमें एड्स नहीं करने, बट हम आपको एड्स भी चलाना सिखाएंगे। ठीक है, कैसे आप गूगल माई बिजनेस के एड्स चला सकते हो, अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब योर बिजनेस प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट रेडी, अब हमारी रेडी है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने कंटिन्यू करा, तो दोस्तों जैसे गेट स्टार्टेड करूंगा, ये देखिए अब हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे।
फाइनली हमने गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेंडिंग है वो क्या पेंडिंग है, हमारी एड्रेस की वेरिफिकेशन। ठीक है, तो एड्रेस कैसे कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो इसके ऊपर भी हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर, प्रॉपर अलग से सिखाएंगे ताकि वो आप बेटर इजिली सीख पाओ। फिर एक एक जो यहाँ पर आप चीजें देख रहे हो इन सब के ऊपर आपको डिटेल्ड में कोर्स में सिखाया जाएगा। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है, क्योंकि एक एक चीज आप गूगल माई बिजनेस की सीखने वाले हो। तो आज आपने सीखा गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना, उम्मीद करता हूँ अब आप भी कर लेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप गूगल माई बिजनेस पे अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो तो आपका बिजनेस अपीयर होता है लोकल लिस्टिंग में और गूगल मैप पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो यही है। दूसरा दोस्तों कि कस्टमर्स आपके बिजनेस को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को रेटिंग्स दे सकते हैं, रिव्यूज दे सकते हैं, जो कि हर बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। उसको कस्टमर एक्वायर करने के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी बताता है। दोस्तों तीसरा बेनिफिट है गूगल माई बिजनेस हमें हमारे बिजनेस की इंसाइट्स प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों जब हमें इंसाइट्स मिलते हैं तो उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम मार्केट के बारे में, वहां के हमारे बिजनेस के स्टैट्स के बारे में, हमारे कस्टमर्स के बारे में और हमारे कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, और बहुत सारे इंसाइट्स हमें मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने बिजनेस की प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और दोस्तों चौथा बेनिफिट है कि इट इज वेरी इजी टू यूज एंड एब्सोल्युटली फ्री। दोस्तों पांचवा बेनिफिट है कि गूगल माय बिजनेस हमारे लोकल एसईओ में हमें हेल्प करता है। सिक्स्थ बेनिफिट है कम्युनिकेट करने में और कस्टमर्स गेन करने में ये बहुत ज्यादा बिजनेसेस को हेल्प करता है। सेवेंथ बेनिफिट है कि ये एक फ्री एसईओ टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी लोकल और एसईओ रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों एट बेनिफिट है गूगल माई बिजनेस की वजह से हमारे बिजनेस को लोगों का ट्रस्ट मिलता है, हमारे ब्रांड को एक सर्च इंजन के ऊपर विजिबिलिटी मिलती है, क्योंकि गूगल वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लेटफॉर्म्स में से एक है। दोस्तों नाइन्थ बेनिफिट है कि जो गूगल माय बिजनेस है वो हमें ऑफर करता है कि हम अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों टेंथ बेनिफिट है कि गूगल माय बिजनेस की वजह से हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, हम एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं अपने ब्रांड की अपने कस्टमर्स के संग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 10 बेनिफिट्स बहुत होंगे इस कोर्स को सीखने के लिए, बिकॉज डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि इसके कितने फायदे हैं जो हमारे बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को एंगेज करने में, लीड्स लाने में, सेल्स लाने में और विजिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लोगों को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों गूगल 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। अगर हम बात करें गूगल माय बिजनेस की, तो दोस्तों गूगल माय बिजनेस अब बदल चुका है गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे और आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि दोस्तों हम गूगल माय बिजनेस का जो आपके लिए कोर्स लाए हैं, जिसको कि अब आप बोल सकते हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कोर्स, ठीक है, क्योंकि धीरे 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 चीजें चेंज होती जा रही हैं, तो इसलिए आपका ये जानना जरूरी है कि अब जो गूगल माई बिजनेस हुआ करता था अब वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो चुका है, और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे ताकि इस कोर्स में आप चीजों को इजिली सीखो। तो दोस्तों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बता देता हूं कि गूगल माई बिजनेस का रीनेम हो चुका है, या उसका नाम बदल दिया गया है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से। तो ये बदलाव गूगल ऑलरेडी कर चुका है, रिसेंटली उसने बदलाव करा है, और इसके साथ साथ अब धीरे धीरे गूगल जो है वो गूगल माय बिजनेस ऐप अब नहीं रहेगी, उसका आगे चल के कोई यूज नहीं रहेगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब पहले समझते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल है क्या। दोस्तों गूगल बिजनेस प्रोफाइल हर वो बिजनेस के लिए यूजफुल है
कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, मेरा मार्केटिंग फंडास का बिजनेस है, मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेरी एजेंसी है, तो मैं अपने बिजनेस की एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है, गूगल बिजनेस के ऊपर आके अकाउंट क्रिएट करके, जैसे कि इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज, वैसे आप भी अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो, उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपीयर करना चाहते हो अपने बिजनेस को ऑनलाइन गूगल के ऊपर, वो सब आप इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल इजीली, वो भी टोटली फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा इसके लिए आपका, और ये सब जो आप करोगे उससे आपको ऑर्गेनिक रीच मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप गूगल के सर्च इंजन के ऊपर और गूगल के मैप के ऊपर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू अपनी प्रेजेंस बना सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी बिजनेस प्रोफाइल को सर्च इंजन और अपने गूगल मैप के ऊपर विजिबिलिटी देता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए आज की डेट में। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप अपने कस्टमर्स के संग एंगेज तो हो ही सकते हो या कस्टमर्स आपके ब्रांड के संग एंगेज होंगे, और आप ये भी देख सकते हो कि कितने कस्टमर्स आपके ब्रांड के संग एंगेज हो रहे हैं, और दोस्तों आप कनेक्ट हो सकते हो कई तरीकों से अपने कस्टमर से, या आपके कस्टमर कई तरीकों से आपके ब्रांड के संग कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कॉलिंग, मैसेजिंग, लीविंग रिव्यूज। दोस्तों आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू अपने कस्टमर्स को अपडेट रख सकते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, और दोस्तों आप डायरेक्टली अपने ऑफर्स अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो, वो भी टोटली फ्री। और दोस्तों ये सब कितना आसान है, जैसे कि हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था, बेसिकली वो अकाउंट क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट है जो कि अब चेंज होता जा रहा है इस नाम से। तो जो हमने आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था उसमें हमने आपको बताया था कि आप बहुत इजी और सिंपल तरीके से, आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, और अगर आपके पास एक जीमेल आईडी है तो आप विद इन फ्यू मिनट्स अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और अपने बिजनेस को इस वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने बिजनेस को लेकर आ सकते हो, उसको अपीयर कर सकते हो और लोगों के संग कनेक्ट हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये अपडेट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये जो मेरा कोर्स है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कंप्लीट कोर्स अच्छे से सीखोगे और इसमें इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको, ताकि आपका बिजनेस ऑर्गेनिकली भी ग्रो हो और आप पेड एड कैसे चला सकते हो इसके अंदर, और आप डेली ऑर्गेनिक एक्टिविटीज कैसे कर सकते हो, सब कुछ आप सीखोगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कंप्लीट डैशबोर्ड और फीचर्स के बारे में गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, जिसको पहले गूगल माय बिजनेस बोला जाता था। तो जैसे कि हमने आपको गूगल माय बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया, जिसको आज की डेट में बोला जाता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट, जहां पर आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करते हो, अपनी बिजनेस प्रोफाइल को खुद मैनेज करके सर्च इंजन पे अपीयर कराते हो। तो क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम आपको आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ए टू जेड सिखाने वाले हैं, पूरा कोर्स है इसमें, ऑर्गेनिक लेवल पे आप कैसे ग्रो कर सकते हो सर्च इंजन के ऊपर, लोकल एसईओ के अंदर, और इसके साथ साथ हम आपको एड भी चलाना सिखाएंगे, जो कि आपके मैं गूगल लोकल लिस्टिंग में जो आप एड्स चला सकते हो, गूगल माय बिजनेस जिसको आप बोलते थे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में एड आप कैसे बना सकते हो, हर एक चीज आप सीखने वाले हो उस कोर्स के अंदर। तो इसलिए हम पहले आपको इस पूरे डैशबोर्ड के बारे में बता रहे हैं, ताकि आगे चल के आप एक एक इसके अंदर फीचर के बारे में हम आपको वीडियो डिटेल में सिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, इस समय मैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर अकाउंट के अंदर लॉग इन हूं। ये मार्केटिंग फंडास का अकाउंट है, और यहां पर ये जो मेरा अकाउंट है ये मेरा डैशबोर्ड है। यहां डैशबोर्ड में आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी कंपनी का नाम, हमारा एड्रेस, हमारा होम, इस समय हम अपने डैशबोर्ड पे हैं तो वो होम कहलाता है। और इस डैशबोर्ड के अंदर हम ऊपर जो आप टॉप में देख रहे हो कीप कस्टमर्स अप टू डेट, एक क्या है, जब हम इसको गेट स्टार्टेड करते हैं
तो ये वन बाय वन क्या करता है, ये हमसे कुछ चीजें पूछता है, डिटेल लेता है और ये सेव करता जाता है। तो ये हम यहां नहीं करना सिखा रहे, सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप यहां से भी अपनी डिटेल सारी की सारी फिल कर सकते हो, जो कि आप इस कोर्स में सीखोगे एक एक डिटेल फिल करना, तो वो आप यहां से भी कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो हम आपको आगे आने वाली वीडियोज में सिखाएंगे। अब यहां पर आप देखो, हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फोटोज ऐड कर सकते हैं, ऐड बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो, नाउ मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टली ऑन गूगल सर्च मैप, गूगल सर्च एंड मैप्स। इसका मतलब है, गूगल सर्च तो हम सब समझते हैं कि गूगल सर्च क्या होता है, जब गूगल में कोई भी यूजर सर्च करेगा तो उसमें कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो गूगल सर्च में हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस डिस्प्ले हो, दिखे। और जो गूगल मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में, हर क्लाइंट, हर यूजर, हर कोई मैप का यूज करता है, तो इसलिए इस बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करके आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो गूगल सर्च इंजन के ऊपर भी और मैप्स के ऊपर भी। तो एक पांच दो काज हो गए, वो भी हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में। साथ के साथ यहां देखो, एडवर्टाइज इजिली इन मिनट्स, यहां पर आप एडवर्टीजमेंट करना सीख सकते हो, और वो भी हम आपको एड चलाना सिखाएंगे, बट अभी नहीं। परफॉर्मेंस, अब यहां ये हमारा एनालिटिक है, ये हमें बता रहा है हमारी परफॉर्मेंस के बारे में, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में गूगल सर्च इंजन के ऊपर। तो अगर देखा जाए, पास्ट 28 डेज के अंदर सर्च व्यूज 2600 सर्च व्यूज हमें मिले, सर्चेज हमारे यहां पर 2000 कुछ के अराउंड हमारे सर्चेज हुए, और एक्टिविटी 4000 कुछ हुई, सिर्फ 28 दिन का है। इसकी भी हम इन डेप्थ परफॉर्मेंस, अगर आप सब चीजें कैसे देखोगे आप सीखोगे। उसके साथ साथ यहां पर हम कोविड, क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो इस वजह से हम कैसे कनेक्ट रह सकते हैं कोविड के दौरान, यहां पर हम अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे। उसके साथ साथ गेट अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, ये गूगल जी सूट को प्रमोट कर रहा है अगर देखा जाए तो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए, डोमेन के लिए जी सूट की मतलब जीमेल आईडी लेना चाहते हो, बट अपने डोमेन के लिए, प्रोफेशनल डोमेन के लिए, तो वो भी आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, योर लेटेस्ट पोस्ट, जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट है, जो क्योंकि यहां पर जैसे हम सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, अब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी ऑडियंस को अप टू डेट रखेंगे, उनको एंगेज रखेंगे। हम आपको ये भी सिखाएंगे ताकि यहां से भी आप ऑर्गेनिकली एंगेजमेंट लेकर आ सको। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों का, आपके कस्टमर के आपके प्रति रिव्यूज, यहां पर आप अपने रिव्यूज मैनेज कर सकते हो। आप जो ऑडियंस आपके लिए रिव्यूज दे रहे हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उनको रिप्लाई कर सकते हो, उन रिव्यूज को मैनेज कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, वो भी आप सीखोगे इस कोर्स में। कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल, अब बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट करना तो हमारी 85% या कंप्लीट दिखा रहा है, बट हम इस कोर्स में आपको हर चीज सिखाएंगे कैसे आप 100% अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, एड अ मैनेजर टू योर बिजनेस, अगर आप मोर यूजर्स, ठीक है, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं अपने किसी एम्प्लॉय को या किसी मैनेजर को चाहता हूं कि वो मेरे बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करे, तो मैं उनको इनवाइट कर सकता हूं, ठीक है, ये भी आपको सिखाएंगे। और गेट मोर रिव्यूज, तो गेट मोर रिव्यूज कैसे, शेयर योर बिजनेस प्रोफाइल एंड गेट न्यू रिव्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, ये बहुत अच्छा फीचर है, इससे आप अपने रिव्यूज बढ़ा सकते हो ऑर्गेनिकली। और दोस्तों, योर बिजनेस इज ऑन गूगल, इसमें हम अब व्यू ऑन सर्च देख सकते हैं, मैप पे देख सकते हैं, शेयर योर बिजनेस प्रोफाइल, ये सब हम कर सकते हैं। और दोस्तों, गेट मैसेजेस फ्रॉम कस्टमर्स, तो उसके लिए हम गूगल पे से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम डिस्कवर करना चाहते हैं हाउ कस्टमर्स विल फाइंड एंड इंटरेक्ट विद योर बिजनेस, तो उसकी इनसाइट्स भी हम यहां से देखेंगे। तो ये तो था डैशबोर्ड, और इसके साथ साथ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हो पोस्ट का सेक्शन, तो हम आपको प्रॉपर पोस्ट करना, उसके फायदे
और किन बातों का आप ध्यान रखें वो सब आप सीखोगे। इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिल करने आनी चाहिए, वो भी आप सीखोगे। इनसाइट्स कैसे देखोगे वो भी आप सीखोगे। रिव्यूज को मैनेज करना भी सीखोगे। ये हर एक जो आप सेक्शन देख रहे हो, रिव्यूज का, मैसेजेस का, फोटोज का, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, बिकॉज कई लोगों के लिए प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, बहुत सारे लोगों का सर्विस बेस्ड है, ठीक है, तो वो सर्विसेज आप अपनी कैसे शो कर सकते हो, प्लस आपकी वेबसाइट। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि आप गूगल, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप कैसे गूगल माई बिजनेस जो पहले बोला जाता था, क्योंकि अभी भी वही आदत लगी हुई है हमें गूगल माई बिजनेस बोलने की, बट गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वो भी हम आपको करना सिखाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है और हर इंडिविजुअल को ग्लोबल लेवल पे हेल्प करेगा। यूजर्स ऐड करना सिखाएंगे कि आप कैसे यूजर ऐड कर सकते हो, ठीक है, और आपको एड क्रिएट करना सिखाएंगे, जीमेल आप कैसे अपनी कस्टम कर सकते हो, कैसे नया बिजनेस ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा डैशबोर्ड और आप क्या क्या सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आप इस कोर्स को पूरा सीखोगे और अपने बिजनेस को एम्पावर करोगे, गूगल के सर्च रिजल्ट्स और मैप के अंदर आप अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करोगे। थैंक यू। तो दोस्तों गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस का ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज पोस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात करें और अपनी विजिबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात करें। तो दोस्तों आज हम क्या कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले कि पोस्ट डिज़ाइन अगर आप करें गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, लोकल लिस्टिंग्स के लिए, तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और दोस्तों कितनी बार आपको पोस्ट करना चाहिए और आपको क्या पोस्ट करना चाहिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, आप कैसे उसके रिजल्ट्स जो आप पोस्ट कर रहे हो देख सकते हो, और दोस्तों जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसकी जो पोस्ट आप करते हो, उसमें जो आप पोस्टिंग करते हो, वो क्या आपको SEO में हेल्प करती है, और दोस्तों फाइनली कैसे और कहां पर हम पोस्ट कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट गाइड है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट की, ये A to Z आपको सीखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट डिजाइन टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों पहला है कि हमेशा जब भी आप पोस्ट कोई भी अपलोड करो, डिजाइन करो, उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, उसकी पिक्चर्स की, जो पिक्चर्स यूज कर रहे हो उसके अंदर, और अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो भी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड है दोस्तों कीप टेक्स्ट शॉर्ट, हमेशा बहुत ज्यादा कंटेंट मत लिखिए, बिकॉज लोग पोस्ट में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो कोई ब्लॉग आर्टिकल नहीं है, वो एक पोस्ट है, और रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि जो आपका बिजनेस है या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, तभी कोई उस पर ध्यान देगा, पढ़ेगा, क्योंकि उसको उससे कोई फायदा होगा। तीसरा है बी कंसिस्टेंट विद पोस्टिंग, हमेशा आप अपनी पोस्टिंग गूगल माई बिजनेस, सॉरी माई बिजनेस जो है अब अकाउंट गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया है, तो हमेशा गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जब पोस्ट करें वो रेगुलर करें, क्योंकि जो पोस्ट होती है इसके ऊपर 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाती है, आर्काइव हो जाती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कंटेंट हमेशा कंसिस्टेंटली पोस्ट करें। चौथा है यूज कीवर्ड्स इन योर पोस्ट, हमेशा जब भी आप पोस्ट करें उसमें कीवर्ड्स का यूज करें जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिन पे आप चाहते हो कि आपकी रैंकिंग आए, विजिबिलिटी आए सर्च इंजन के ऊपर। पांचवा CTA बटन, ABT, CTA बटन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई पोस्ट करते हैं तो वहां पर कॉल टू एक्शन के बटन आते हैं, लाइक लर्न मोर, शॉप नाउ, ऐसे कई सारे ऑप्शन आते हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको पोस्ट करना सिखाऊंगा। तो वहां पर आप चूज करें जो भी आप चाहते हैं एक्शन आपके कस्टमर्स लें, और आप अपनी अलग अलग पोस्ट में अलग अलग CTA भी यूज करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कौन सा CTA आपके लिए ज्यादा बेटर काम कर रहा है। छठा है लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो कई बार क्या होता है उसके अंदर जो आप लिंक देते हैं, जो लैंडिंग पेज देते हैं,
वो आप सही दीजिए, वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए मोबाइल डेस्कटॉप टैबलेट के हिसाब से, उसमें वो रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए जिसके लिए कस्टमर वहाँ पर क्लिक कर रहा है, तो हमेशा लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन होगा तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, लीड्स आएगी, सेल्स आएगी, सब आएगा। और दोस्तों सातवां है रेलिवेंट टू बिजनेस एंड प्रोफेशनल, हमेशा रेलिवेंट रखें उस अपने पूरे के पूरे प्रोफाइल को, अपने बिजनेस से रिलेटेड उस पोस्ट को, अपने बिजनेस से रिलेटेड और प्रोफेशनल बनाएं, ठीक है। एट्थ है प्रूफ रीड बिफोर पोस्टिंग एंड पब्लिशिंग, कोई भी पोस्ट पोस्ट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले उसकी एक बार अच्छे से दोबारा से जांच पड़ताल कर लें, या कहें तो प्रूफ रीडिंग कर लें। नाइन्थ है रीड गूगल टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज, क्योंकि गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए, स्पेशली उनके अंदर वो देखना चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेज हैं जिन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या कुछ स्पेशल टर्म्स उनके ऊपर लागू होती हैं, तो आप ज़रूर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें क्योंकि काम तो हमेशा करना है, तो इसलिए उसकी पॉलिसीज पढ़ें तो आपको गलती होने के चांस और प्रॉब्लम होने के चांस कम हो जाते हैं, ये हर प्लेटफॉर्म के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ। दसवां है डू नॉट यूज इन अप्रोप्रिएट ऑफेंसिव और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप गलत कंटेंट का यूज करोगे, ठीक है, ऑफेंसिव जो लोगों को दुख या दिक्कत पहुंचा सकता है या मिसलीड कर रहा है, ठीक है, तो उस तरीके के कंटेंट से आपके अकाउंट बैन हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं और आपको दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट शुड यू पोस्ट ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आपको क्या क्या पोस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस है इंटरनेट के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर, तो आप वहां पर अपने कस्टमर्स को अपनी पोस्ट से अपडेट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो अपने बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड के बारे में। दूसरा, आप अपने नए नए ऑफर्स लोगों तक पहुंचा सकते हो, बता सकते हो। तीसरा, कुछ आपकी कंपनी में नया आता है, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया सर्विस या कोई नया फीचर, उसके बारे में बता सकते हो। चौथा, आप इवेंट्स अगर कोई करने जा रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हो। और पांचवा, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, उनकी यूएसपीज के बारे में, उनकी डिटेल, उनकी लॉन्चिंग, बहुत सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू ट्रैक पोस्ट, कैसे उनका रिजल्ट देखें, कि ये मैंने अपने जो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसके कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ये पोस्ट हमने डाली थी तो इसमें 60 लोगों ने व्यू करा, एक ने क्लिक करा, ठीक है। यहाँ ये CTA होता है, मैंने हमने लर्न मोड लगा रखा है जो आप देख रहे हो, तो CTA। और ये हमने एक पोस्ट करी थी जिसको 161 लोगों ने व्यू करा, 4 लोगों ने क्लिक करा, ये एक हमने पोस्ट करी थी और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको 363 लोगों ने देखा, 4 लोगों ने क्लिक करा। तो इस तरीके से आप हर अपने पोस्ट का रिजल्ट्स भी देख सकते हो कि लोग कितना ज्यादा एंगेज हो रहे हैं। अब दोस्तों कुछ बहुत यूजफुल टिप्स दे रहा हूँ, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो दोस्तों जनरल जो लोग अलग अलग कंपनियों के जो रिस्पॉन्स हैं, जो लोगों की राय है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो आइडियल टाइम है या डेज है वो है थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, बेस्ट डेज है पोस्ट करने के लिए। और जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक का है, सुबह 11 बजे तक का इंडिया के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बट मैं अपना अगर ओपिनियन दूँ, टाइम इज अ डिफरेंट थिंग, टाइम आप सुबह पोस्ट कर सकते हो जो बेस्ट टाइम है, बट जो कॉन्टेंट थर्सडे फ्राइडे ठीक है, बट कंसिस्टेंटली डालो, अगर आप रोज डाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप कोशिश करो एक दिन छोड़ के एक दिन तो कॉन्टेंट डालो, पोस्ट डालो, ताकि लोग कनेक्ट रहें, अपडेटेड रहें, आपके संग जुड़े रहें और आपका बिजनेस बढ़ता रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं डज गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट हेल्प इन SEO, क्या ये हेल्प करती है SEO के अंदर। तो दोस्तों हाँ, ये हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि जितने आप अगर पोस्ट डाल रहे हो, लोगों को कंटेंट मिल रहा है, लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो पहली बात तो ये आपके लोकल SEO में हेल्प करता है कि आपकी लोकल विजिबिलिटी बढ़ती है, रैंकिंग बढ़ती है, ठीक है, हमारी लोकल बिजनेस, जो हमारी लोकल बिजनेस गूगल की जो बिजनेस लिस्टिंग होती है उसमें हमारी हमारे एरिया में लोकल लिस्टिंग में हमारी रैंकिंग आ सकती है, ठीक है, तो वो भी हमें फायदा मिलता है हमारी रैंकिंग में। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वेबसाइट की रैंक कैसे बढ़ती है, जब उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, यूनिक विजिटर्स आते हैं, तो अपने आप गूगल को प्रायोरिटी देता है, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से लोग आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास यूनिक ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीज़ करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट कहाँ पर कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको करना शुरू करें। मैं अपने इस समय गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर में हूँ, या गूगल माय बिजनेस अकाउंट जिसको पहले बोला करते थे, तो उस अकाउंट के अंदर हूँ, और मैं यहाँ पर पोस्ट के सेक्शन पे हूँ, पोस्ट के सेक्शन पे।
यहां पर आप देख सकते हो जो भी हमने पोस्ट अभी तक करी है, ठीक है, तो वो सारी पोस्ट हम अपने यहाँ पर फीड में देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कब कब कराए, क्या क्या कराए, उसमें हमने अपने लिंक वगैरह सब चीज दी है, लोग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इन चीजों के संग। और हमने ऑल दिखा रहे हैं, ऑफर का क्लिक करूंगा तो अभी तक हमने ऑफर नहीं डाला, कुछ न्यू का क्लिक करूंगा तो हमने न्यू डाला हुआ है, अभी हमने इवेंट का नहीं डाला हुआ, बट ये सब आपको करना है, ठीक है, बिकॉज हमारा नया अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पर अभी वो पूरी एक्टिविटीज नहीं है, बट आप सारी एक्टिविटीज जो करोगे आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज देख सकते हो। अभी मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब पोस्ट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक कीजिए, राइट हैंड साइड पे जो आप आइकन देख रहे हो ये है कि आपको कोई अपडेट देना है। तो मान लो मेरे को कोई स्टेटस अपडेट करना है कि मान लो अभी कोविड है, लॉकडाउन है, हमारा ऑफिस अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं यहाँ पर अपना स्टेटस लिख के, ठीक है, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि ऑफिस क्लोज्ड टिल, ठीक है, 10th मार्च, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ मैं, कुछ भी जो लेटेस्ट अपनी कंपनी की न्यूज या कोई अपडेट देना चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ उनको कि और ज्यादा जानकारी के लिए, ठीक है, आप हमें आप कोई लिंक दे सकता हूँ, मैं लर्न मोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो या मान लो मेरा कुछ ऑफर आ रहा है उसके लिए मैं वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, फ्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ और मैं साइन अप करने के लिए लोगों को एक लिंक दे सकता हूँ, वहाँ पर जाकर लोग फ्री में साइन अप कर सकते हैं, डिपेंड है आपको क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऑफर पोस्ट करना है तो उसके लिए आप ऑफर की कोई आपके पास इमेज हो या वीडियो हो तो आप उसको अपलोड करो, आप मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद आप सेलेक्ट फोटो कर सकते हो, अपनी एल्बम में से ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे को अपने कंप्यूटर में से लेना है तो मैं यहाँ पर एल्बम में जाऊंगा, ठीक है, और फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कोई इमेज लेनी है, तो मान लो मैंने एक ये इमेज ले ली या ये इमेज ले ली और इसको यहाँ पर मैं ओपन करूंगा, यहाँ पर इमेज अपलोड हो जाएगी। तो इमेज अपलोड होने के बाद मैं उसको यूज कर सकता हूँ अपने, अब वो आपने क्रिएटिव खुद डिजाइन करा है क्या करा है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर हमारी एक पोस्ट आ गई, अब मैं मल्टीपल यहाँ पर अपनी इमेजेस कर सकता हूँ, वीडियोस डाल सकता हूँ, यहाँ पर कोई ऑफर है मेरा उसकी इमेजेस हैं, वीडियो है उसका, मैं ऑफर टाइटल डाल सकता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ 50% ऑफ ऑन ऑल पैकेजेस, ठीक है, ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, जो भी डालना है, ठीक है, स्टार्ट डेट डाल सकता हूँ, एंड डेट डाल सकता हूँ, प्रीव्यू कर सकता हूँ उसको मैं, ठीक है, अगर कोई मेरे को टाइम ऐड करना है कि भैया इस टाइम तक ही अवेलेबल है, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू पे जाऊंगा तो दिखाएगा इस तरीके से आपका पोस्ट दिखेगा, ठीक है, फिर पब्लिश करना चाहूंगा तो पब्लिश कर दूंगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे कुछ नया आता है तो व्हाट्स न्यू हम करते हैं, तो सेम व्हाट्स न्यू का भी वही प्रोसेस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इवेंट हमें अपडेट करना है उसमें भी इमेजेस या वीडियोस हमें डालनी पड़ेंगी, इवेंट के हमें टाइटल डालना पड़ेगा, स्टार्ट एंड डेट डालनी पड़ेगी। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की इमेजेस या कैटेगरीज वगैरह डालना चाहते हो तो दोस्तों प्रोडक्ट लिस्टिंग तो मैं करना सिखाऊंगा ही आपको, और वो तरीके से। और यहाँ पर अगर आप अपने प्रोडक्ट्स डालते हो, अपडेट करते हो, तो लोग वहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट पसंद आता है, डील अच्छी लगती है तो बाय करते हैं, और इन सब चीज़ों को आप पब्लिश कर सकते हो। तो दोस्तों कितना इजी है, जब पब्लिश करेंगे तो इसी तरीके से आपकी भी पोस्ट दिखनी शुरू हो जाएंगी लोगों को, गूगल के ऊपर, मैप्स के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा जो पोस्ट का है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, इसका यूज, इसके फायदे, इसके करने के तरीके सबको समझ में आया होगा। हो सकता है आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दीजिए, ये भी सोशल मीडिया ही है एक तरीके से, जो आपको लोगों तक कनेक्ट करता है और लोगों को, कस्टमर्स को आप तक पहुंचाता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो अपने बिजनेस की। बिकॉज दोस्तों कस्टमर्स तभी आपके संग एंगेज करेंगे, आपको लीड्स आएंगे या बिजनेस आएगा, जब आप सही इंफॉर्मेशन डालोगे। तो ये गूगल में सर्च में आने के लिए, गूगल में आपको मैप पे आने के लिए, और उसके साथ साथ कस्टमर्स को अपने तक लाने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस में से एक है। तो अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कैसे कैसे आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड करोगे। इससे पहले मैंने आपको पोस्टिंग की पूरी गाइड दी थी,
ओवरव्यू दिया था, ऐसे करके हम आपको पूरा सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर ए टू जेड। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने इंफॉर्मेशन सेक्शन पे क्लिक करा है और यहां पर आप देख सकते हो मेरे बिजनेस का नेम आ रहा है मार्केटिंग फंडास। तो यहां पर जो नेम है हम एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मार्केटिंग फंडास मतलब ये मेरी कंपनी का ब्रांड नेम है, तो ये मैंने पूरा अपना नाम लिखा है। कई लोग क्या करते हैं कि कंपनी के नेम के साथ स्लैश करके डिजिटल मतलब डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया या कैटेगरी मेंशन कर दिया, कीवर्ड मेंशन कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। लिखने को आप लिख सकते हो कि मार्केटिंग फंडास स्लैश डिजिटल मार्केटिंग स्लैश मैं कुछ और लिख सकता हूं, बट जब हम बात करते हैं, इसको मैं दोबारा सेव करता हूं, जब हम बात करते हैं नेम की, ब्रांड नेम की, कंपनी नेम की, तो सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कंपनी का नेम ही आना चाहिए, ना कि कोई कैटेगरी या कोई कीवर्ड, ठीक है? क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग और ये सब करने से आप बहुत ज्यादा रैंक करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नाम मतलब सिर्फ नाम, ठीक है? अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है? हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, ब्रांडिंग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो हमारी जो प्राइमरी कैटेगरी है वो हमने मार्केटिंग रखा है, ना कि डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज कई लोग स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो हमने मार्केटिंग रखा है बिकॉज हम ओवरऑल मार्केटिंग में डील करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ऐसे आप भी बहुत सोच समझ के अपनी प्राइमरी कैटेगरी रखिएगा कि आपकी प्राइमरी कैटेगरी, क्योंकि वो आपके बिजनेस को एक ब्रॉड वे में डिस्क्राइब करती है, तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से बेस्ट प्राइमरी कैटेगरी चूज कीजिएगा, ठीक है? अभी के लिए मैं कैंसिल करता हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहां पर हमने दो चीजें सीखी है आपको कैसे करनी है। ये जो एड्रेस का आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, लोकेशन का, एड्रेस का, ये हम आपको अलग से सिखाएंगे कैसे आप अपना एड्रेस मैप पे लेकर आए, गूगल मैप पे कैसे उसको वेरीफाई कराएं, इसका सेपरेट वीडियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है तो हम ये सेपरेट देंगे, ठीक है? तो वो हम आपको अलग वीडियो में सिखाएंगे कैसे आप अपना बिजनेस वेरीफाई करेंगे मैप के ऊपर, कैसे अपना एड्रेस वेरीफाई करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, क्योंकि जो भी आप लिस्टिंग को वेरीफाई करते हो, एड्रेस डालने में क्या है, बहुत सिंपल है कि आप अपना प्रॉपर रीजन डालो, अपना एड्रेस डालो, स्ट्रीट एड्रेस डालो, सिटी डालो, पिन कोड डालो, जो भी आपका है, ठीक है? बट आपको अपने एड्रेस को और अपनी लिस्टिंग को वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। तो अभी हम बढ़ते हैं सर्विस एरियाज की तरफ। तो दोस्तों सर्विस एरियाज, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंडिया भी डाला है, यूनाइटेड स्टेट्स भी डाला है, पाकिस्तान डाला है, यूनाइटेड किंगडम डाला है, एमिरेट्स डाला है, कनाडा डाला है, और भी मैं डाल सकता हूँ। मैंने क्यों डाला, जबकि अब आप सोच रहे होंगे गूगल माय बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो लोकल बिजनेस के लिए है, लोकल लिस्टिंग के लिए है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जब स्टोर की बात करते हैं, ठीक है? बिकॉज ये नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड है। अब आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, मान लीजिए आपका ज्वेलरी का शोरूम है प्रीत विहार के अंदर, ठीक है, और आपको अपने स्टोर के आसपास का करना है, तो आप यहाँ पर प्रीत विहार लिख सकते हो। एड्रेस तो मैंने लोकल ही डाला है ना, तो गूगल माय बिजनेस जो है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है मेरी लिस्टिंग, उसको पता है कि मैं प्रीत विहार दिल्ली के अंदर बैठा हूं, ठीक है? तो वो वहां से वो इंफॉर्मेशन उसके पास है। बट हम किस एरिया में सर्विस देते हैं, अब एक ज्वेलरी का जो शोरूम है वो अपने शोरूम के आसपास 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के एरिया में ही तो सर्विस देगा, ठीक है? तो वो अपने नियर बाय एरिया डालेगा, लाइक प्रीत विहार, राजधानी एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, ठीक है? इस तरीके से वो अपने आसपास के एरिया यहाँ पर वो डालेगा, एडिट करेगा। एरिया ऐड करने के लिए कैसे करना होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर प्रीत विहार डालता हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पर प्रीत विहार पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर प्रीत विहार दिल्ली इंडिया मेरा हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर उसको मैं अप्लाई कर दूंगा। इस तरीके से जिन जिन एरिया के अंदर आप सर्विस देते हो, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो अपने स्टोर के आसपास, ऑफिस के आसपास, ठीक है, और शॉप के आसपास आप अपना दे सकते हो एरियाज, ठीक है? तो गूगल को ये पता लगता है, लोगों को ये पता लगता है कि अच्छा ये प्रीत विहार के साथ साथ लक्ष्मी नगर में भी सर्विस देते हैं, मयूर विहार में भी देते हैं, यहाँ पर भी देते हैं, वहाँ पर भी देते हैं। तो लोकल एरिया के लिए, लोकल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप कंट्री वाइज या जितने भी एरिया में आप करना चाहते हो करते हो, आप वहाँ पर डाल सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये कब कब आपका ऑफिस
ओपन होता है या क्लोज होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो आवर्स हैं और जो आपके डेज हैं वो आप मेंशन कीजिए, जिससे कि लोगों को पता रहे कि आपका जो स्टोर है या ऑफिस है, शॉप है, जो भी है, वो कब कब ओपन होता है। ठीक है, कईयों का 24x7 ओपन होता है और सातों दिन ओपन होता है, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। कईयों का स्पेसिफिक डेज ओपन होता है, तो आप यहाँ पर वही डेज ऑन कर दो। जो जिस डे में नहीं होता है उसको आप बंद कर सकते हो, जिस डे में होता है उसको आप ऑन कर सकते हो। और साथ के साथ आपको आर्स ऐड करने हैं, जैसे मैंने कर रखे हैं, तो यहाँ पर आपको 24 के हिसाब से करना है या नॉर्मल इस हिसाब से करना है, वो भी आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो आर्स। तो आपको कब से कब तक का दिखाना है वो भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है और ये बहुत ज़रूरी है डालना, जिससे कि लोगों को नेट पे पता लग जाता है, अच्छा मैं इस टाइम इनका ऑफिस विजिट कर सकता हूँ, ये इस टाइम अवेलेबल होते हैं। अब इसको अभी कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हम अपना ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं मोर आर्स। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है मोर आर्स। अगर आप ये मोर आर्स ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि यू कैन ऐड आर्स फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज और स्पेशल्स टू योर बिजनेस ऑन गूगल। ठीक है, मान लो अगर आपके यहाँ पर कोई डिलीवरी का है, ठीक है, कोई ड्राइव थ्रू का ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास कोई सीनियर के लिए आर्स हैं, ठीक है, कोई ऑनलाइन सर्विस आर्स हैं, तो ये डिपेंड है नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। अगर ऐसा कुछ स्पेशल है आपके में तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर ये मोर आर्स का मैंने बता दिया, अब मैं बताता हूँ ऐड स्पेशल आर्स। अब स्पेशल आर्स का मतलब क्या होता है, मान लो कि 2 अक्टूबर को या फिर 26 जनवरी को जनरली क्लोज होता है, ठीक है, मगर आप उस दिन अपना ऑफिस या स्टोर ओपन रख रहे हो, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि जैसे हमने रामनवमी ओपन, मतलब यहाँ पर एक फेस्टिवल दिखा रहा है, अगर हमें इसको दिखाना है कि हम रामनवमी वाले दिन ओपन है और यहाँ पर आज कंफर्म करने हैं जी, हम तो सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 2 बजे तक ओपन है, तो भी हम कर सकते हैं। तो लोगों को ये भी पता लग जाएगा, अच्छा स्पेशल डेज या स्पेसिफिक डेज में ये लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी उनको मिल जाएगी। ठीक है, आप देना चाहो तो कर सकते हो। अब दोस्तों अपना मोबाइल नंबर ऐड कीजिए, बिकॉज लोग आपको कांटेक्ट कर पाएँ। अपना मेल आईडी ऐड कीजिए, ताकि लोग आपको क्या कहते हैं मेल कर पाएँ। आप अपनी वेबसाइट ज़रूर डालिए, अगर वेबसाइट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अपनी वेबसाइट का लिंक डालिए, तो लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके संग जुड़ने की तो यही मिल जाएगी। तो ईजिली उनकी मर्जी है, वो कॉल करें चाहे मेल करें चाहे वेबसाइट पर जाएँ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि अपॉइंटमेंट आप लोगों को लेके ही आना पड़ेगा, लाइक डॉक्टर का है, कोई प्रोफेसर सीए का है, कुछ भी बिजनेस है, तो आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट का यहाँ पर अपना लिंक दे सकते हो, जिस पे क्लिक करके आपको ही पता है कि अपॉइंटमेंट का आज की डेट में और कैलेंडर्स आते हैं, लोग अपना कर सकते हैं, अपना लिंक दे, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट की वो फिजिबिलिटी देख के अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो अगर आपके में एप्लीकेबल है तो आप इसको कर सकते हो। प्रोडक्ट्स का मैं नहीं बता रहा हूँ आपको अभी, सिर्फ क्योंकि प्रोडक्ट्स लिस्ट करना प्रॉपर, क्योंकि वो उनके लिए है जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल दूंगा आपको, पूरा प्रोडक्ट पे लिस्ट कैसे करो, कैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो, बिकॉज वो डिटेल्ड ट्यूटोरियल होगा और स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में डील करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सर्विसेज की। तो जब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी अलग अलग सर्विसेज जो हमारी एजेंसी देती है, कंपनी देती है, वो यहाँ पर मेंशन है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप सर्विसेज डालते हो तो डालते ही हो, और जो गूगल है, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये गूगल भी देखो पढ़ो आप, सर्विसेज आर एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम योर बिजनेस, ठीक है, बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स एंड अदर गूगल सोर्सेज, के मतलब ये जो गूगल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये आपकी सर्विसेज को ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है फीडबैक के बेसिस पे जो कस्टमर्स देते हैं, वो गूगल आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी फीडबैक देते हैं और गूगल के अदर सोर्सेज पे भी जो है वहाँ पर जो फीडबैक आता है उसके बेसिस पे गूगल ये करता है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे हमने तो अपनी ये सर्विसेज डाली थी, बट यहाँ पर गूगल ने और हमारे को ऐड करा है कि ये सब सर्विसेज भी क्या आप देते हो, तो हमें अगर ये जो चेंजेस गूगल ने करे हैं
ये एक्सेप्टेड है तो हम एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर देंगे और आप अपनी सर्विसेज खुद भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई सर्विस ऐड करनी है तो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाके आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ब्रांडिंग मान लो क्लिक करा और ब्रांडिंग को सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो। तो वो सर्विसेज ऐड करें जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हो, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सर्विसेज का। देखो अब जो पहले मार्क आ रहा था वो भी चला गया क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिए चेंजेस। अब इतनी सारी हमारी सर्विसेज की लिस्ट है जो हम दे रहे हैं फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपने बिजनेस के बारे में, जैसे आप एट्रीब्यूट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो ये क्या है, आप अगर अपने बिजनेस के थ्रू कुछ स्पेशल, मतलब आपके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पर आप देखो लेट कस्टमर्स नो मोर अबाउट योर बिजनेस बाय शोइंग एट्रीब्यूट्स ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल मैपियर इन पब्लिक ऑन सर्च और मैप्स। तो इसमें क्या होता है कि आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर आप कोई फैसिलिटी दे रहे हो, आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, अब वहां पर व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस है, ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप दिखाना चाहते हो कि जो बिजनेस है ये ओन्ड है विमेन द्वारा, फीमेल द्वारा, अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा दो। ठीक है, अगर आप जेंडर न्यूट्रल रेस्टरूम अगर आपके पास ये फैसिलिटी है तो ये दिखा दो, एमिनिटीज है। ऐसे करके आप अपने बिजनेस को देखो कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ठीक है, कौन सी फैसिलिटीज हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, जो आपके पास है वो बेटर है और वो आप लोगों को शो करना चाहते हो ताकि लोगों को लगे कि अच्छा ये इनके पास है और दूसरों के पास नहीं है, तो एक लोगों को आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा लीड्स और कस्टमर आपके संग कनेक्ट होंगे। तो ये एट्रीब्यूट्स ऐड करने का बहुत फायदा मिलता है अगर ये चीजें आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। अब दोस्तों आप ऐड कर सकते हो ऐसे ही यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, अब आप जैसे हेल्थ, अगर आप सॉरी मैंने बंद कर दिया था, अब यहाँ पर हेल्थ का अगर आपको कोई ऐड करना है, मान लो आप कहते हो कि हमारे यहाँ पर मास्क, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मास्क रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मैं मास्क रिक्वायर्ड पर जब क्लिक करूंगा तो ये हमारे ऑफिस में लोगों को पहले पता लग जाएगा, भैया आपको अगर हमारे स्टोर में आना है तो यहाँ पर मास्क रिक्वायर्ड है, अब कोविड की वजह से हर जगह हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें लोगों को पहले से ही बता सकते हो कि कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, तो ये इसके लिए भी एट्रीब्यूट काम आते हैं। तो इसी तरीके से आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस की लोगों को दे सकते हो, क्या क्या उनको बिजनेस में आपसे मिल रहा है एक्स्ट्रा, क्या एसेसिबिलिटीज है, क्या फैसिलिटीज है, क्या एमिनिटीज हैं, ठीक है, क्या हेल्थ सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हैं कि नहीं, ऑन साइट सर्विसेज हैं कि नहीं, ये सब अदर जानकारियां अपने बिजनेस की दो, जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दोगे कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है, बिकॉज हर एक का कुछ ना कुछ यूज होता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है और हर कस्टमर का आपके संग जुड़ने का वो एक सिंगल फैक्टर हो सकता है जो आप यहाँ पर नहीं डाल रहे हो, तो हर चीज डालनी है, ध्यान रखना। अब यहां पर हम आते हैं बिजनेस डिस्क्रिप्शन। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस की, बिकॉज इससे लोगों को पता लगता है भैया कब से कंपनी है, क्या करती है, क्या इनकी एक्सपर्टीज है, क्या इनकी यूएसपीज है। तो आपको एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिखवानी है जो आपके आपकी कंपनी के बारे में अच्छे से डिफाइन करे, कम शब्दों में ज्यादा बात आप लोगों तक पहुंचे, लोग इससे इंप्रेस होते हैं, तो लोग, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके बारे में लोगों को बताने का। तो ये आप भी बनवा के इसमें ऐड कीजिएगा, बनाइएगा अच्छे से। अब दोस्तों ऐड ओपनिंग डेट ये आप डाल सकते हो, इससे पता लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो कब, किस साल में, किस डेट में ओपन हुआ था। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हो। और यहाँ पर ऐड फोटोज, फोटोज का मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज इसके ऊपर अलग से ट्यूटोरियल आएगा इस कोर्स के अंदर, क्योंकि उसमें सही तरीके से फोटोज वीडियोज वगैरह कैसे ऐड करना है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए वो हम अलग आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप अपने बिजनेस की इसी तरीके से सही से इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऐड करोगे। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आप कैसे अपने इनसाइट्स देख सकते हो, कैसे आप देख सकते हो कि कस्टमर्स आपके संग कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे आपके पास तक पहुंच रहे हैं, कहां कहां आपका बिजनेस दिख रहा है, उससे आपका जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कंपेयर कर सकते हो अपने और अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इनसाइट्स अगर आप देखोगे
तभी आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा पाओगे, चीज़ों को इम्प्रूव कर पाओगे। बिकॉज फीडबैक और इंसाइट्स जहाँ पर नहीं होते, वहाँ पर कभी भी वो ग्रोथ नहीं हो सकती है, आप सही से स्ट्रेटजी बना ही नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर ग्रो करना है अपना गूगल पे प्रेजेंस, अपने आपको सर्च रिजल्ट्स में अपनी रैंकिंग ज़्यादा लेकर आनी है और आपको अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाना है, तो इनसाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप इनसाइट्स के कॉलम में आप आ सकते हो और यहाँ पर योर इनसाइट्स आर मूविंग, ठीक है। तो ये जो हमारा है, तो ये योर मैट्रिक्स विल मूव टू अ न्यू लुक रिपोर्ट, सर्च क्यूरीज आर विजिबल एंड मोर मैट्रिक्स विल बी एडिट इन अ फ्यू मंथ्स। तो ये हमें एक अपडेट दे रहा है कि आने वाले टाइम में हमारा नया लुक आ जाएगा प्रोफाइल का, हमारी परफॉर्मेंस वगैरह का, बट अभी जो है वो ये है, ठीक है। तो हाउ कस्टमर सर्च फॉर योर बिजनेस, कैसे सर्च करते हैं? तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ब्लू कलर में, ये है डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है कि पीपल हु फाइंड योर बिजनेस, के लोग अगर कोई प्रोफाइल सर्च, आपके बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कोई कैटेगरी, प्रोडक्ट या सर्विस सर्च कर रहे थे और तब उन्होंने गूगल सर्च के ऊपर आपका देखा, हमारा लिंक देखा, हमारी प्रोफाइल देखी और वहां से लोग हमारे पास आए, तो ये डिस्कवरी है, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी के थ्रू आए जब वो सर्च कर रहे थे। बट डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, कि लोग जो पीपल हु फाइंड योर बिजनेस प्रोफाइल सर्चिंग फॉर योर बिजनेस, जो हमारे बिजनेस के नाम से और हमारे एड्रेस से आए। बिकॉज दोस्तों, ये हमारा डायरेक्ट इस वजह से ज्यादा है बिकॉज हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारे ऑलरेडी हजारों हजारों लाखों फॉलोवर्स हैं, तो इस वजह से लोग हमारे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप अदर बिजनेसेस में देखोगे जिनकी फॉलोवर बेस नहीं है, तो हो सकता है शायद उनका डायरेक्ट वाला कम हो, ठीक है। और ब्रांडेड हो गया कि दूसरे ब्रांड को सर जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है उनको सर्च करके जो आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक आंकलन कर सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम ऑडियंस है कहाँ से हमारे पास तक आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप मंथ्स को, आप एक क्वार्टर की देखनी है, एक वीक की देखनी है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रमोट वाला नहीं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस के एड्स बनाना हम आपको बाद में सिखाएंगे, इसी कोर्स में सिखाएंगे, तो पूरा कोर्स देखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर है वेयर कस्टमर्स व्यू योर बिजनेस ऑन गूगल, तो लोगों ने कहाँ देखा आपका बिजनेस गूगल के ऊपर, तो आप देखते हो 1 महीने के अंदर लगभग 2600 लोगों ने हमारा बिजनेस देखा, मतलब यूजर्स ने हमारा कंपनी के बारे में जाना या हमारे उस पर आए। अब कैसे आए कि जो यहाँ पर आप देखते हो लिस्टिंग ऑन सर्च, मतलब सर्च गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आप एक एक दिन का यहाँ पर देख सकते हो कि जी 22 जनवरी को 2022 में 103 लोगों ने सर्च करके आए, 103 लोगों ने गूगल सर्च पे, मतलब गूगल की जो लिस्टिंग्स हैं, जो सर्च के रिजल्ट्स आते हैं वहां पर से लोग आए, ठीक है। और उसके नीचे ही आप देख सकते हो लिस्टिंग ऑन मैप, तो मैप के थ्रू 43 लोग उस पर्टिकुलर डे में आए, और पूरे महीने का देखना है तो 1900 लोग लिस्टिंग ऑन सर्च और 700 लोग लिस्टिंग ऑन मैप, ठीक है। तो ये पूरा हमें सारा का सारा दिखा रहा है कहाँ से लोग आ रहे हैं हमारे बिजनेस, व्यू कर रहे हैं हमारे बिजनेस को गूगल सर्च से या गूगल मैप से। अब दोस्तों, बात करते हैं कस्टमर एक्शंस की। कस्टमर आ रहे हैं तो कुछ एक्शंस भी तो ले रहे होंगे, एंगेज भी तो हो रहे होंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रांड के लिए। तो देखा जाए कि अगर 2600 लोग आए थे तो 138 लोगों ने एक्शन लिया। अब एक्शन क्या लिया, सबसे ज्यादा एक्शन लिया कि वो मेरी वेबसाइट पे गए, ठीक है, मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, और लोग मुझको 94 लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट करा गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल से, 18 लोगों ने रिक्वेस्ट करी डायरेक्शन कि वो यहाँ तक आ पाए, कि हमारे ऑफिस तक, और 26 लोगों ने हमें कॉल करा। तो आप देख रहे हो पावर, ये फ्री ऑर्गेनिक है, और इसकी पावर देखिए आप कि कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे डायरेक्शन से आ रहे हैं, और कितने लोग हमें कॉल कर रहे हैं, ये सब हम देख सकते हैं, और इसको हमें ग्रो करना है, और तो उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जिन लोगों ने डायरेक्शंस ली, डायरेक्शन रिक्वेस्ट करी हमारे यहाँ पर, तो वो कहाँ कहाँ से आए। तो आप यहाँ पर देखिए कि वो लोग पिन कोड दिखा दिए कि, और मैप पे भी दिखा दिए कि इन सब जगहों से लोग आए जिन्होंने डायरेक्शंस मांगी हमारे ऑफिस की। यहाँ पर फोन कॉल्स का दिखा दिया, टोटल 23 कॉल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको डे वाइज भी दिखा दिए सारा का सारा, तो हमें नंबर ऑफ कॉल्स के बारे में पता लग रहा है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं फोटो व्यूज, तो हमारी जो फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, वो अगर आप देखो कि नंबर ऑफ टाइम्स योर बिजनेस फोटोज हैज बीन व्यूड कंपेयर टू फोटोज ऑफ अदर बिजनेसेस, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे बिजनेस में अदर हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी फोटोज कितनी व्यू होती हैं। मान लो जैसे इसमें देखें, अगर 3 फरवरी को
मेरी फोटो व्यू हुई 447 लोगों ने व्यू करी और मेरे जैसे जो सिमिलर बिजनेस थे उनकी सिर्फ 23 करी, ठीक है। तो मतलब हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स और हमारे बिजनेस में कितना मतलब ग्रोथ है, हम कम परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब चीजें हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। प्लस दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी फोटोज जो है वो 846% मतलब 850 गुना ज्यादा व्यूज लेकर आती हैं एज कंपेयर टू स्मॉल जो बिजनेस है उनके मुकाबले, मतलब सॉरी जो सिमिलर बिजनेस है हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा, आप देख रहे कितने गुना ज्यादा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो दोस्तों कि जो फोटो क्वालिटी है, ठीक है, क्वांटिटी जो है वो हमारी आप देख सकते हो और हमारे कॉम्पिटिटर्स की देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा इसमें भी थोड़ा बेटर है। तो इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस की सारी इंसाइट्स देख सकते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हो, इसके हिसाब से प्लानिंग स्ट्रेटेजी करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि रिव्यूज की इम्पोर्टेंस क्या है, रिव्यूज आप कहाँ देख सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे रिप्लाई कर सकते हो, और अगर कोई आपको इनएप्रोप्रिएट या गलत रिव्यू लग रहा है तो उसको आप फ्लैग कैसे कर सकते हो। दोस्तों रिव्यू एंड रेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर हम बात करें गूगल की, गूगल रिव्यूज की, गूगल रेटिंग्स की, तो जब आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर अकाउंट के अंदर होगे, जिसको हम गूगल माय बिजनेस अकाउंट भी बोलते थे पहले, तो उसके अंदर आप देख सकते हो रिव्यू। तो यहाँ पर रिव्यू का जो टैब है, यहाँ पर जब आप जाओगे तो जैसे हमारे मार्केटिंग फंडाज में लोगों ने रिव्यू डाल रखे हैं, तो यहाँ पर मैं ऑल रिव्यूज देख सकता हूँ, किसने कितनी रेटिंग दी है, किसने क्या लिखा है हमारे बारे में, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ उन रिव्यूज को जिन रिव्यूज को मैंने रिप्लाई करा है, क्योंकि लोग अगर हमारे बारे में कुछ रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो हम उनका रिप्लाई कर सकते हैं। तो और मैंने जिनको रिप्लाई नहीं करा है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और मेरे को उनको रिप्लाई करना है, तो सीधा मैं जाऊँगा रिव्यू के अंडर, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। देखिए किसने रिव्यू करा है कि अमेजिंग प्लेस, इफ़ यू वांट टू टेक ऑफ योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, हमारे बारे में रिव्यू दिया है, हमारे बारे में रेटिंग दी है, तो ऑब्वियसली हमारा फर्ज बनता है एज अ कंपनी उन लोगों को मतलब थैंक्स करना, बिकॉज उन्होंने टाइम निकाला हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे कस्टमर्स के संग या हमारे वेल विशर्स के संग हमारा एक कनेक्शन बनाता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ थैंक्स सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स और वैल्यूएबल, जो भी हमें लिखना है आप अपना मैसेज लिखिएगा और पोस्ट रिप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम अपने कस्टमर्स के रिव्यूज पढ़ सकते हैं, रेटिंग्स देख सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सारे रिव्यूज दिखेंगे, यहाँ पर रिप्लाई जिनको हमने रिप्लाई करा है और यहाँ पर जिनको हमने रिप्लाई नहीं करा, तो हम देख के उन सब लोगों को वन बाय वन रिप्लाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों रिव्यूज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा इफेक्ट डालता है आपकी लीड्स के ऊपर, कस्टमर आपके संग कनेक्ट करेगा या आपके कॉम्पिटिटर के संग कनेक्ट करेगा, क्योंकि जिसके रिव्यूज ज़्यादा होंगे और बेहतर होंगे उसी को ही लोग प्रेफर करते हैं, ये रूल है बहुत बेसिक। तो इसलिए रिव्यू रेटिंग पे बहुत आप टाइम लगाइएगा, अपने कस्टमर्स जो आपके काम से सेटिस्फाइड हैं उनके आप उनसे पूछ सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो टाइम निकाल के रिव्यू दे दें आपके बिजनेस के बारे में, इससे उनका आपके लिए क्या विचार है, क्या ऐसा उनको एक्सपीरियंस रहा आपको भी पता लगेगा, और जो अदर ऑडियंस है जो डिसीजन ले रही है किसी के संग सर्विसेज लेने का या काम करने का, तो वो अगर आपके रिव्यूज देखते हैं और उसमें इंप्रेस होती है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपकी कंपनी के ऊपर। तो बेहद इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू रेटिंग गूगल के ऊपर। और दोस्तों इसके साथ साथ मान लीजिए अगर किसी ने कोई इनएप्रोप्रिएट रिव्यू दिया है, अब जैसे मैं नीचे चलता हूँ मैं देखता हूँ, अब यहाँ पर कोई पर्सन है जिसने बस एक सिंगल रेट दे दिया, उस रिव्यू नहीं कुछ नहीं, अगर मेरे को लगता है कि ये किसी ने मतलब जबरदस्ती दे दिया है, गलत तरीके से दे दिया है और मतलब हेटेड मतलब के तौर पे दे दिया है, तो इसको अगर हमें सही नहीं लगता है,
तो हम इधर थ्री डॉट्स जो आप देख रहे हो इधर क्लिक कर सकते हैं और इसको फ्लैग कर सकते हैं, फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट। तो ये 48 घंटे 72 घंटे में गूगल की टीम देखती है कि हमने इसको फ्लैग करा है तो ये हमने सही करा है नहीं करा है। तो अब मैं क्यों इसको रिपोर्ट करना चाहता हूँ इस रिव्यू, क्योंकि ऑफ टॉपिक है, स्पैम है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, प्रोफिनिटी है, बुलिंग और हेरेसमेंट है, क्या है इसमें से। तो मैं कह देता हूँ ये तो मैं स्पैम कहूँगा, फेक है, ठीक है, और ये क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं इसको स्पैम कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर जाके इसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ 3 business days लग सकते हैं गूगल को इसको देखने में, रिव्यू करने में और डिसीजन लेने में, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ये तो मैंने आपको रिव्यूज़ के सेक्शन के बारे में बताया, अब आगे मैं आपको अगले वीडियो के अंदर कैसे आप बैड रिव्यूज़ रिमूव कर सकते हो और कौन से रिव्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको रिमूव करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसी, और उसके साथ साथ क्या वो स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप बैड रिव्यूज़ या गलत रिव्यूज़ हटा सकते हो, या जो कस्टमर्स के रिव्यू डिसएग्री हैं आपसे आप उनको कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, और बहुत केसेस में अगर आप कस्टमर को भी बना लेते हो तो वो खुद ही रिव्यू हटा देता है। तो मैं आपको ऐसी बहुत सारी डिटेल देने वाला हूँ, तो ये आप ज़रूर देखिएगा हमारा अगला वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ये जो मैसेजिंग का फीचर है हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बिकॉज इससे आप डायरेक्ट अपने कस्टमर्स के संग चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और आप इसके संग अपने कस्टमर्स के संग लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। ये आपके कस्टमर्स पे, आपके कस्टमर्स को आपसे तुरंत इंटरेक्ट कराता है, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है। तो आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस अकाउंट में आ जाइए और वहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे मैसेजेस का। अगर अभी तक आपने मैसेजिंग ऑन नहीं करी है तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, कनेक्ट विद कस्टमर्स, लेट कस्टमर्स मैसेज योर बिजनेस ऑन गूगल फॉर फ्री एंड रिस्पॉन्ड फ्रॉम हेयर, क्योंकि वो जब आपके बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे गूगल के ऊपर सर्च में, तो वहाँ से वो आपको मैसेज कर सकते हैं, और वो जो मैसेज करेंगे वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखेगा इस डैशबोर्ड में। तो इसको टर्न ऑन करना है, टर्न ऑन के लिए क्या है, आप क्लिक करो टर्न ऑन मैसेजिंग। तो जैसे ही मैंने टर्न ऑन मैसेजिंग को करा, यहाँ पर आ गया, यू हैव टर्न ऑन मैसेजिंग, कस्टमर्स विल बी एबल टू मैसेज योर बिजनेस सून, योर टिपिकल रिस्पॉन्स टाइम विल अपियर ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल व्हेन यू बिगिन रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स। तो दोस्तों इसको कर देंगे हम ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने ऑन पे क्लिक करा, अब ये हमारे यहाँ पर डैशबोर्ड अब वो चला गया, अब यहाँ पर हमारे पास मैसेजेस का आ गया, तो अभी कोई मैसेजेस है नहीं, तो नो मैसेजेस येट। तो इस वजह से हम अब जब जैसे लोगों के मैसेजेस आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर हम वो मैसेजेस देख सकते हैं और उनका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, कस्टमर आपके पास जो ऑर्गेनिकली आ रहा है, आपकी प्रोफाइल देख रहा है, उसको इंस्टेंट बात करनी है तुरंत मैसेज करेगा। आपकी अगर कोई टीम है या आप खुद हो, मोबाइल से भी आप उनको रिस्पॉन्स कर सकते हो, या फिर आप अपने डेस्कटॉप से भी उनको रिस्पॉन्स कर सकते हो। तो कितना ईजी और सिंपल है और कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पर कीप अप विद योर कस्टमर्स गेट वेब अलर्ट्स फॉर न्यू मैसेजेस, तो यहाँ पर आप अपने टर्न ऑन कर सकते हो मैसेजेस का नोटिफिकेशन, जैसे किसी कस्टमर ने मैसेज करा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ताकि आप उसको तुरंत रिप्लाई कर पाओ। तो आप यहाँ पर टर्न ऑन वेब नोटिफिकेशंस कर सकते हो और इसको अलाउ कर सकते हो। इससे क्या है कि आप अप टू डेट रहोगे और आप चाहो तो अपनी प्रोफाइल वगैरह भी लोगों के संग शेयर कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर भी आप करना चाहो। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको मैसेजिंग सेटिंग्स में जाना है तो यहाँ पर टर्न ऑन मैसेजिंग, ठीक है, और यहाँ पर है सेंड रीड रिसिप्ट्स, ठीक है, तो लेट कस्टमर्स नो इफ यू रीड देयर मैसेज। तो आप यहाँ पर अगर ये ऑन कर दोगे तो कस्टमर को पता लग जाएगा कि आपने उनका मैसेज रीड कर लिया है। अब ये आप जैसे व्हाट्सएप में होता है डबल ब्लू टिक आ गया, मतलब हमने मैसेज रीड कर लिया है। तो अगर आप चाहो कि आप कस्टमर्स को पता लगे तो आप इसको ऑन कर सकते हो ऐसे, अगर आप चाहते हो नहीं पता लगे तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सही से यूज़ कर लोगे ना,
तो आप लोकली या अगर आपका बिजनेस ऑल ओवर ग्लोब में है, ऑनलाइन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, बहुत बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि एक-एक चीज इस कोर्स की सीखना जो मैंने पहले वीडियोस में सिखाई है और आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा, और आप ऑर्गेनिक बिजनेस, ऑर्गेनिक लीड्स, ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट कर पाओगे। थैंक यू। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आप कैसे अपनी फोटोज और आप अपनी वीडियोस ऐड कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम न्यू टैब में देखते हैं। अगर कोई मेरी कंपनी के बारे में सर्च करता है, मार्केटिंग फंडास, या मैं गूगल के सर्चेज में आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई मेरी वेबसाइट पे आता है या मेरी गूगल पे जो मेरी प्रोफाइल देखता है, मेरी बिजनेस प्रोफाइल देखता है, तो उसको हमारी इमेजेस, हमारे बारे में सब दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो हमारी फोटोज भी देखता है, इससे वो हमारे ऑफिस, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी लोकेशन, ठीक है, हमारी टीम, हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं कि वो हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, हमारे बारे में ज्यादा से ज्यादा देखें। तो दोस्तों ये चीज आप भी कर सकते हो, बिकॉज जो कस्टमर को कनेक्ट करना, कस्टमर को आपके बिजनेस के संग जोड़ना, ये उसकी लीड्स आना, उसकी सेल्स आना, उसका ट्रस्ट बिल्ड होना, इमेजेस से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए सही तरीके से कैसे आप इमेजेस या आप अपनी वीडियोस ऐड करोगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट में। तो इधर आप आइए फोटोज पे। जब हम फोटोज पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ओवरव्यू में हमारी कुछ इमेजेस ऐड हैं, और आप यहाँ देख सकते हो कि कितने लोग हमारी इमेजेस या हमारे बारे में देखते हैं। मेरी खुद की इमेज को लगभग 2,500 से ज़्यादा लोगों ने देखा है, ऑफिस की इमेजेस को देखा है कई हजार लोगों ने, उसके अलावा हमारे ऑफिस के इंटरनल लोकेशन में लगभग 19,000 लोगों ने इस इमेज को देखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग अगर जानकारी लेना चाहें तो गूगल माई बिजनेस के थ्रू आपकी कितनी जानकारी वो ले सकते हैं, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, जो कि आपको उनके संग कनेक्ट होने में हेल्प करता है और उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में आपकी कंपनी पे हेल्प करता है। तो ये तो ओवरव्यू था। अब क्या है यहाँ पर, आप देखो, अगर आपको सिर्फ वीडियोज ऐड करनी है तो यहाँ पर क्लिक करो, आप यहाँ से पोस्ट वीडियोज में जाओ, क्लिक करो, और यहाँ पर आप जो वीडियोज अपना अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर जाके अपने फोल्डर, जहाँ पर भी आपके पास वीडियोज हैं, तो उन वीडियोज में जाके आप वीडियोज अपलोड कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है, और वो आप सेव कर दोगे तो यहाँ पर आपकी वीडियोज, जैसे इमेजेस आ रही हैं, वीडियोज भी आनी शुरू हो जाएंगी। इंटीरियर मतलब ऑफिस के इनसाइड की, जो आप इंटीरियर की वीडियो ऐड करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से जैसे हमने इमेजेस ऐड करी है आप भी कर सकते हो। उसके लिए भी क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है, बस प्लस के निशान पर जाओ और अपने इंटीरियर की फोटोज वगैरह ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ही एक्सटीरियर ऑफिस के बाहर की वीडियोज ऐड करनी है, जो आपके बाहर की लोकेशन है, आसपास की लोकेशन है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एट वर्क का मतलब अगर आपके ऑफिस में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज के काम करते हुए फोटोज दिखानी है वो दिखा सकते हो, एक कंप्लीट टीम की फोटो दिखानी है तो वो दिखा सकते हो, मतलब अलग अलग इन्होंने हेड्स दे दिए हैं, बट एंड ऑफ द डे आपको अपने ऑफिस की लोकेशन, उसके इंटरनल एक्सटर्नल लोकेशंस की इमेजेस, अपने एम्प्लॉयज के काम करते हुए की इमेजेस, अपने ऑपरेशंस की इमेजेस, ठीक है, अपनी टीम की इमेजेस, ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हो, ठीक है। आप अपनी कोई आइडेंटिटी जो है वो अपना लोगो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, और कवर। अब अपलोड कैसे करना है एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं गया यहाँ पर चूज फोटो पे कवर पे, और यहाँ पर मैंने एक फोटो सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ। डाउनलोड्स में जाने के बाद मैंने एक इमेज बनवा ली थी ताकि आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल दिखा पाऊँ कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए हमारे इमेज के साथ साथ, हमारे लोगों के साथ साथ हमारा कवर भी अपडेट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ओवरव्यू में जाते हैं। तो ओवरव्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पूरा का पूरा कवर जो है वो हमने अपलोड कर दिया है। तो ये भी हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं,
तो अब यहां पर हमारा वीडियोस बस हमने ऐड नहीं करा, जब वीडियो ऐड कर देंगे तो वो भी हमारा यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो जो सेक्शन आप अब देखना चाहो, मान लो आइडेंटिटी में गया तो मेरी ये यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर वीडियोस अभी डाली नहीं है, डाल देंगे। तो ये दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट के थ्रू बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस वीडियोज़ के थ्रू बताएं, इससे कस्टमर आपके पास आने के, आपके बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप ये करेंगे, अगर अभी तक नहीं करा है तो। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कैसे आप अपनी सर्विसेज को अपडेट कर सकते हो, कैसे न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, उसमें सर्विसेज ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं और उनकी बेसिक सेटिंग्स भी बताऊंगा जो बहुत सारे लोग करते ही नहीं हैं या उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज कस्टमर आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए ही आपके पास आ रहा है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आप सही से मैनेज नहीं करोगे, अपडेट नहीं करोगे, तो आपका कस्टमर किसी आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में इस कोर्स में इन्फॉर्मेशन सेक्शन से सर्विसेज और ये सब चीज़ें ऐड करना बताया था, सिखाया था कैसे आप कर सकते हो, बट सर्विसेज को अगर स्पेसिफिकली आपको मैनेज करना है तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सर्विसेज पे क्लिक करो। अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो प्राइमरी कैटेगरी थी वो मार्केटिंग थी, उसके अंदर ये हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हमने ऐड करी थी जब हमने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया था या गूगल माई बिजनेस अकाउंट बनाया था उस टाइम, बट ड्यूरिंग द टाइम जब कस्टमर्स आते हैं तो गूगल उनसे सजेशंस लेता है, देखता है वो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं और हमारे डाटा के बेसिस पे, और गूगल के पास अदर सोर्सेज होते हैं तो गूगल खुद हमको हमारी सर्विसेज की कैटेगरीज रिकमेंड करता है। तो हम उसको अगर अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि इस कोर्स में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करना सिखाया है, तो वो सर्विसेज भी हमारे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अब मैंने जब सर्विसेज की कैटेगरी बनाना आपको प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्मेशन में सिखाई थी, तब मैंने मार्केटिंग एजेंसी को प्राइमरी कैटेगरी रखा था अकाउंट बनाने के दौरान, और उसमें मैंने कुछ अपनी सर्विसेज ऐड करी थी, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर आपको और कैटेगरी ऐड करनी है तो आप ऐड अनदर बिजनेस कैटेगरी पे जा सकते हो। प्राइमरी कैटेगरी तो मेरी मार्केटिंग ही रहेगी, आपकी भी प्राइमरी कैटेगरी एक ही रहेगी, आप अदर कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो। मान लो मैं अदर कैटेगरी में यहाँ पर वेबसाइट डिजाइनिंग ठीक है, वेबसाइट डिजाइनर या होस्टिंग कंपनी कुछ भी मेरे को करना है, तो यहां पर मैं वेबसाइट डिजाइनर की जगह वेबसाइट डिजाइनिंग करूंगा बेसिकली। वेबसाइट डिजाइनिंग ठीक है, तो ये मैं कैटेगरी ऐड करने के बाद यहां पर, तो यहां पर अभी वो कैटेगरी ले नहीं रहा है, तो यहां पर जो कैटेगरी है अभी वेब डिजाइनर ले रहा है, तो वेब डिजाइनर देख लेते हैं सैंपल के तौर पे। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, हम वेब डिजाइनिंग के अंदर कंटेंट मैनेजमेंट करते हैं, या हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, या हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन करते हैं। तो अगर हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन करते हैं तो हम उसको यस कर देंगे, हम वेब डिजाइन करते हैं तो उसको यस कर देंगे, हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसको यस कर देंगे, हम वेब होस्टिंग करते हैं तो उसको यस कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी अदर कैटेगरीज बना सकते हो। जैसे मैंने मार्केटिंग की बनाई, उसमें अपनी सर्विसेज दी, अगर आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग है तो उसकी सर्विसेज दे सकते हो, अगर आपकी मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग है तो उसमें लोगो डिजाइन बैनर डिजाइन आप क्या करते हो वो दे सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और थी कि जैसे कि मैं आपको अभी अनदर कैटेगरी बनाना सिखाया, तो अभी जैसे यहाँ पर मैंने वेब डिज़ाइनर करा था और मेरी वेबसाइट डिजाइनिंग की कैटेगरी नहीं ले रहा था, तो यहाँ पर मैं कस्टम सर्विस में जाके भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को वो पर्टिकुलर वर्ड शो नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर जाके लिख सकता हूँ। तो ये हमने कर लिया, तो मेरी एक एक्स्ट्रा एक और कैटेगरी बन जाएगी और उस कैटेगरी में मैं अपनी मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस कर देते हैं या करते नहीं है वो क्या है, वो है कि मान लो मेरी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूं डिजिटल मार्केटिंग की, ऑनलाइन या पेड एडवर्टीजमेंट की, मान लो पीपीसी की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो मैं सीधा क्लिक करूंगा इधर,
यहाँ पर मैं प्राइस डालूंगा जी, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्री में देता हूँ, फिक्स मेरा कोई अमाउंट है, या फ्रॉम, अब मान लो यहाँ पर मैंने फ्रॉम दे दिया प्राइस कि मैं 5,000 रुपीज से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा फ्रॉम है कि 5,000 से स्टार्ट है और अप टू तो रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, अगर आपका कोई फिक्स प्राइस है तो फिक्स प्राइस यहाँ पर कर दो कि जी मैं 2,000 रुपये लेता हूँ लोगो डिजाइनिंग के या किसी भी चीज़ के। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दो, उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दो, कुछ और नहीं, ताकि कस्टमर उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड आपकी यूएसपीज, आपके ऑफर्स, आपकी इन डेप्थ डिटेल में जाने, ठीक है, और उसको आप सेव कर दो। तो जब आप ऐसे सेव कर दोगे तो जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं उन हर सर्विसेज के आप देख लो डिस्क्रिप्शन भी शो होगी कस्टमर को, उसके प्राइजेज भी शो होंगे, तो आप एक तरह से देखा जाए तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे क्रिएट कर सकते हो। इससे आपकी रैंकिंग भी बेहतर होती है, कस्टमर भी ज़्यादा आता है, विजिबिलिटी भी ज़्यादा आती है और आपका बिजनेस तो ग्रो होता ही होता है। जितनी डिटेल दोगे कस्टमर को उतना ही कस्टमर आपके संग जुड़ेगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट सेक्शन में, बिकॉज गूगल माय बिजनेस जिसको पहले बोला जाता था अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया है, इसके थ्रू जो आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, जो आपकी रीच विजिबिलिटी बढ़ती है, लोग आपके प्रोफाइल को देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, तो वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले कर सकते हो और अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करोगे वो करना सिखाऊंगा। और उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखो, जब हम ये प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये दिखा रहा है कि लगभग 2100-2200 लोगों ने, पोटेंशियल कस्टमर्स ने हमारे बिजनेस को लास्ट मंथ गूगल पे देखा है, तो हमें यहाँ पर अपने प्रोडक्ट शोकेस करने चाहिए। अब प्रोडक्ट शोकेस करने का क्या फ़ायदा, देखो जैसे मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ, अब मैं तो एक सर्विस बेस्ड लाइन में हूँ, मेरा प्रोडक्ट मेरा कोर्स हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का जो मैं कोर्स सेल करता हूँ वो मेरा प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, या मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के पैकेजेस हैं वो मेरे प्रोडक्ट हो सकते हैं। और मान लो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हो, आपके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, मान लो आप टी शर्ट्स बेचते हो, ठीक है, या फिर आप अपीरियल्स या ज्वेलरी या कुछ भी बेचते हो, सेल करते हो प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोसीजर सेम ही है। आपको अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर सेलेक्ट करो फोटो, और यहाँ पर हम चलते हैं इमेजेस में, चलते हैं डेस्कटॉप पर, इमेजेस में से जाके एक डमी के लिए एक सैंपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पर मान लो मैंने अपना एक कोर्स, मेरे को एज अ प्रोडक्ट सेल करना है, मान लो ये 5,999 का मेरा कोर्स है, मतलब प्रोडक्ट है 6,000 का। अब यहां पर मेरी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, अब मैं इसको नाम दे दूंगा डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स, ठीक है, तो ये मैंने एक प्रोडक्ट का नाम दे दिया। अब मान लो आपका अगर टी शर्ट का होता तो यहाँ पर आप टी शर्ट की इमेज अपलोड कर सकते थे, यहाँ पर टी शर्ट दिखती, यहाँ पर आप लिख देते मेंस टी शर्ट, ब्लू कलर, जो भी आपको लिखना था लिख सकते थे। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चूज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अपनी कैटेगरी को चूज करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी हम यहाँ पर डाल देते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी डालते हैं हम इधर मार्केटिंग डाल देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर आपका क्लोथ से रिलेटेड होता तो आप क्लोथ्स डाल सकते थे, अपीयरेंस डाल सकते थे, शूज होता तो शूज डाल सकते थे, वो आपके ऊपर है आपको जो डालना है। यहाँ पर मैंने डाला शो प्राइस रेंज, अब मेरा जो प्राइस क्या है और मैं कोई डिस्काउंटेड प्राइस दे रहा हूँ ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आपको डालना है या नहीं डालना है, कि आपको प्राइस रेंज शो करनी है कि नहीं करनी। अब बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा, आपको नहीं करना मत करो, बट प्रोडक्ट बेस में प्राइस करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्राइस रेंज, तो यहाँ पर अब क्या है कि मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, तो यहाँ पर हमने प्राइस रेंज अगर आपको डालना है तो आप
डाल सकते हो लाइक 500 रुपीज से लेके 5,000 रुपये तक, ठीक है। अगर आप प्राइस रेंज को प्रोडक्ट प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस की तरीके से डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। प्रोडक्ट प्राइस में डाल देता हूँ मान लो 10,000 और यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में डाल देता हूँ 5,999, ठीक है। तो जब ये मैं यहाँ पर डालता हूँ तो उसके हिसाब से डिस्प्ले होगा। यहाँ पर अब मैं डालता हूँ प्रोडक्ट, ये इतना परसेंट देखो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, 40% आ गया ना। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, लाइव इंटरैक्टिव कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और जो भी मेरे को लिखना है अप टू 1,000 वर्ड्स तक की मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, करेक्टर्स तक की, ठीक है। तो 1,000 करेक्टर्स तक की लिख सकता हूँ, वो मैं लिखूंगा। तो इसमें आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना, कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहना, यूएसपी ऑफर्स बताना, ठीक है। उसके बाद है ये ऑप्शनल बट आपको सब फिल करना है तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। फिर कॉल टू एक्शन देना जरूरी है कि आपको ऑर्डर ऑनलाइन करना है, बाय करना है, लर्न मोर करना है, कहीं लेके जाना है तो लर्न मोर कर दो, गेट ऑफर है तो कुछ ऑफर वाली चीज है तो गेट ऑफर करने के लिए कोई रजिस्टर कराना है, कुछ कराना है वो करा सकते हो। मेरे को तो जी बाय कराना है तो मैं कहूंगा जी बाय कर लो, क्योंकि मेरा कोर्स आपको बाय करना है तो मैं एक लिंक दे दूंगा। अब कोर्स बाय करने का कोई लिंक तो देना पड़ेगा ना, तो मेरा वो लैंडिंग पेज होगा, तो वो मैं अभी के लिए अपनी वेबसाइट का पेज यूज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर वो लिंक डाल दूंगा, आप अपना लैंडिंग पेज डाल दो जहां पर जाके बंदा वो बाय करेगा। और प्रोडक्ट मार्क स्पेशल आर शोन एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। अगर हम इसको स्पेशल कर देंगे तो टॉप में दिखाई देगा, आपके ऊपर है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट डाल रहे हो तो जिनको आपको टॉप में दिखाई देना उनको आप मार्क है स्पेशल कर दो, नहीं नॉर्मल रखना तो नॉर्मल करके जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पर हमारी ये जो लिस्टिंग है जो एक प्रोडक्ट है लिस्ट हो गया। ऐसे करके आप जितने मर्जी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करो और यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो। मान लो एक मार्केटिंग का है, एक मैं ग्राफिक्स का बना दूंगा, एक मैं वेबसाइट का बना दूंगा, वो मैं अलग अलग बना सकता हूँ, तो अपने अलग अलग प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो ये एक फ्री मीडियम है जहाँ से आप इतना बिजनेस जनरेट कर सकते हो, बस लोग इसको सही से यूज नहीं करते जो कि उनको करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। तो दोस्तों अभी ये पेंडिंग में है, ठीक है। तो ये अभी पूरा का पूरा पेंडिंग के अंदर है, इसको हम बाद में, अभी प्रोडक्ट रिव्यू होगा, इट मे टेक अप टू 30 मिनट्स कि वो लोगों को विजिबल हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर जब एक्टिव हो जाएगा तो लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम तो डेमो के लिए दिखा रहे थे, हम इसको डिलीट कर देंगे। बट इसी तरीके से आप अपना जितना मर्जी प्रोडक्ट्स डालो, उनको सेल करो, ठीक है, फ्री में आपके पास ट्रैफिक भी आएगा, इससे आपकी रीच भी बढ़ती है। एड प्रोडक्ट हो गया, अगर मेरे को देखना है कि गूगल पे कैसे दिखेगा प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ये हमारा अब जब लाइव हो जाएगा ना तब हमारा ये प्रोडक्ट दिखाई देगा कि कहाँ पर, तो इस जगह यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो दिखते हैं, तो वो हमारा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, मगर तब जब वो एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपने प्रोडक्ट्स आप सेल करोगे और आप अपना काम बिजनेस को बढ़ाओगे। थैंक यू। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके बिजनेस को कोई गूगल के ऊपर बैड रिव्यू देता है या फेक रिव्यू देता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, उसके क्या तरीके हैं, या किस तरीके के रिव्यूज आप रिमूव नहीं कर सकते हो। क्योंकि कई बार लोग लगे होते हैं कि मेरा रिव्यू रिमूव हो जाए, रिव्यू को रिमूव कर दिया जाए, बट वो रिमूव नहीं होता, तो वो भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए ताकि आप वहां पर अपनी एनर्जी खराब ना करो, क्योंकि वो नहीं हटेगा। तो इसलिए मैं दोनों ही तरीके बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर क्लैरिटी देने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों जनरली क्या होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपको भी पता है कि अगर किसी कस्टमर ने रिव्यू दिया है तो 90% केस जो बैड रिव्यूज के होते हैं, फेक रिव्यूज के होते हैं, वो क्या होते हैं कि या तो आपके किसी एम्प्लॉय से मिस्टेक हुई है, या आपकी सर्विस में कमी है, ठीक है, या मान लीजिए आपका किसी से कोई झगड़ा है, या वो आपका राइवल है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर आपको बैड रिव्यू या फेक रिव्यू मिलते हैं। अब जैसे मैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हूं, मैं इसमें रिव्यूज में जाता हूं, अगर यहां देखेंगे
और अगर हम गूगल पे जाते हैं और यहां पर हम डालते हैं मार्केटिंग फंडार्स, ठीक है, सर्च करते हैं, तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो ऑलरेडी जब हम ये डाल रहे हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं, यहां पर आप देखिए ऑलरेडी हमारे 65 लोगों ने रिव्यूज दिए और 4.6 हमारी रेटिंग है, तो इसका मतलब ये अच्छा है, बढ़िया है, अच्छे रिव्यूज लोग हमें दे रहे हैं, ठीक है। अब हम वापस यहां पर आते हैं, अब यहां पर आप देखो क्या हो रहा है कि ये मेरा अकाउंट है और इस अकाउंट में मैं देख सकता हूं कि कितने लोगों ने मुझे रिव्यू दिए, हम उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं, तो रिप्लाई का ऑप्शन है, और यहां पर ऑप्शन आता है हाईएस्ट रेटिंग, सबसे अच्छी रेटिंग आपको किसने दी है और सबसे लोएस्ट। अब हाईएस्ट रेटिंग में अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जिन्होंने हमें बढ़िया रेटिंग दी है, 5 स्टार रेटिंग दी है, हमारे बारे में कुछ अच्छा लिखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें अच्छी रेटिंग्स दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोएस्ट रेटिंग में आते हैं, अब लोएस्ट रेटिंग में भी अगर मैं देखूंगा तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 लोगों ने हमें लोएस्ट रेटिंग दी है, जिसमें भी 1 पर्सन ने तो कुछ लिखा ही नहीं है, बस रेटिंग देके चले गए हैं, ठीक है, और 1 पर्सन दूसरे ने भी कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक मैडम ने कोई लिखा है पुअरली, अनप्रोफेशनल, कुछ भी लिखा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो या तो उनकी हमारे किसी एम्प्लॉय से किसी से ऐसी कोई बात हुई, उन्होंने लिखा है ऋषभ, अब उनसे क्या बात हुई हो सकता है आपको नहीं पता हो, क्योंकि टीम बड़ी होती है। तो इस केस में 2 स्टेप्स आप लो, पहला स्टेप कि इनको रिप्लाई करो, एक यहाँ पर रिप्लाई पे जाओ, एक प्रोफेशनल रिप्लाई डालो, अपोलोजीज लिखो, अगर उनको बाय चांस कोई दिक्कत हुई है आपकी कंपनी की तरफ से और आपको नहीं पता तो आप उनको एक प्रॉपर प्रोफेशनल रिप्लाई लिखो, और मैक्सिमम केसेस में जो लोग होते हैं वो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, और आप उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके, उनकी बात सुन के, इशू को बातचीत से सॉल्व करके आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज अब आप हमारा प्लीज रिव्यू पॉजिटिव कर दीजिए या हटा दीजिए। तो मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है वो हटता है, अगर आप जेन्युइन स्टेप लेते हो, जेन्युइन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये पहला तरीका है, और ये इसके लिए आपका कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जो आपके मतलब ऑनलाइन रेपुटेशन को देखे, लोगों से बात करे, उनको सेटिस्फाइड करे, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बाद कुछ नहीं होता है, आपके किसी राइवल ने, किसी कॉम्पिटिटर ने, या फिर किसी ने खुंदस निकालने के लिए गुस्से में ये चीज कर दी। अब मान लो इस पर्सन ने यहाँ पर हमको रिव्यू दे दी, 1 रेटिंग दे दिया, अब कुछ लिखा ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा कि पहले तो रिप्लाई करूंगा, अगर वो नहीं हटाते किसी केस में तो मैं क्या करूंगा, उस रिव्यू पे जाऊंगा, उसको फ्लैग कर दूंगा जी, फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट, ये रिव्यू सही नहीं है। अब वो कई चीजें पूछता है यहाँ पर, जो गूगल है वो पूछता है भैया ऑफ द टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पर स्पैम है कि ऐसे किसी ने फेक अकाउंट से ऐसे डाल दिया है, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोफेनिटी है, बुलिंग है, हेरेसमेंट है, तो ये आपको देखने हैं। अब मान लो इसमें जिसमें भी आपका जो लगता है कि इस वजह से करा गया होगा, आप उस ऑप्शन को चूज कर लो। जब आप उस ऑप्शन को चूज करते हो तो यहाँ बोल रहा है यू आर रिपोर्टिंग अ पॉलिसी वायोलेशन टू गूगल, इट मे टेक अप टू 3 बिजनेस डेज, ठीक है जी, हम सबमिट कर देते हैं इसको 3 दिन में। अब जो मेरी मेल आईडी जिससे अकाउंट बना हुआ है मेरे गूगल माई बिजनेस का, उसमें मेल आएगी, उसमें इनका फीडबैक आएगा गूगल वालों का, मैं इसको डन कर देता हूँ। अब मान लीजिए 3 दिन बाद कोई मेल का रिवर्ट नहीं आता है, या वो आपका जो रिव्यू है नहीं हटता है, और मेल का रिवर्ट अगर आता है और नेगेटिव में आता है जी नहीं हटेगा, और कई बार पॉजिटिव में भी आ सकता है कि हाँ क्या कहते हैं वो हट सकता है और हटा दिया जाएगा, वो मतलब हम सही क्लेम कर रहे हैं और वहां पर उस पर्सन को गलत पाया गया है, तो उस कंडीशन में वो हट भी जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया। और कई बार आप अपने साथ साथ, मान लो ये पर्सन है, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको जानते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट है, वो आपकी सर्विसेज ले चुके हैं, तो आप उनको भी बोल सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि देखिए ये फेक रिव्यू है, मैं चाहता हूँ कि आप जेन्युइन तरीके से गूगल को अपनी आईडी से मेरे इसके ऊपर जाके इस कमेंट को फ्लैग कर दीजिए,
तो गूगल को पता लगता है यार इस कमेंट को कई लोग फ्लैग कर रहे हैं, तो हो सकता है उस पर्सन में दिक्कत है, क्योंकि आपसे ज्यादा थर्ड पार्टी का गूगल प्रायोरिटी देता है कि अच्छा दूसरे कस्टमर्स भी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है सही हो। ठीक है, ये तरीका हो गया। अब जब ये सब चीजें आप करते हो, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से रिव्यूज पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। अब मान लो कोई कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, ठीक है, उसकी मर्जी है भैया, वो आपको 2 रेटिंग देना चाहता है, 3 रेटिंग देना चाहता है, 1 रेटिंग देना चाहता है, वो डिससेटिस्फाइड है तो वो वहां रेटिंग देगा, उसको आप नहीं हटवा सकते, ठीक है, गूगल से, गूगल नहीं हटाएगा। हाँ, आप उस कस्टमर को, मेरे पहले वाला जो मैंने तरीका बताया, उस कस्टमर को रिक्वेस्ट करो, सेटिस्फाइड करो, बातचीत से मसला सॉल्व करो, और उसको फिर वहां से आप हटवा सकते हो, उस कस्टमर से ही हटवा सकते हो, गूगल नहीं हटाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है कि आप किस तरीके के रिव्यूज हटवा सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूं, दिखाता हूं। तो जैसे कि मैंने अभी इसको यहां पर क्लिक करा था फ्लैग करने के लिए, तो यहां पर नीचे देखो टू रिपोर्ट अ रिव्यू लीगल रीजंस। अब क्या होता है यहां पर दोस्तों, गूगल को ना आपको रीजन समझने पड़ेंगे, तो यहां पर वो रीजन बताएगा यहां पर, व्हाट कैन बी हेल्प यू विद, आई वुड लाइक टू चेंज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन माई लोकल लिस्टिंग। ठीक है, तो यहां पर आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड वाई इंफॉर्मेशन ऑन माई लोकल लिस्टिंग हैज चेंज्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंटेंट, माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, उस रिव्यू में मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, किस वजह से हटवाना चाहते हो। तो यहां पर हमें आपको वो जवाब देना पड़ेगा। मान लो आप वो यहां पर जवाब देते हो, अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर ये भी सबमिट कर दिया, तो अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर आप इजीली सामने वाले का जो रिव्यू है हटवा सकते हो। तो यहां पर आप लिखो गूगल रिव्यू पॉलिसी, और पहला जो लिंक आएगा प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, वहां क्लिक करो। यहां पर क्लिक करने पे आप देखो ये जो पॉलिसी है गूगल की, क्योंकि गूगल आपके कहने पे रिव्यू तभी हटाएगा जब वो इन पॉलिसीज को मैच करेगा, क्योंकि उसके अलावा लोगों की राय हो सकती है, उसको रिव्यू के तौर पे माना जाएगा, वो नहीं हटाया जाएगा। अब मान लो किसी ने ऐसा कंटेंट डाला जो स्पैम है या फेक है, उसकी भी पॉलिसी है, आप पढ़ सकते हो। अगर कोई ऑफ द टॉपिक है, कोई कोई और ही बात कर रहा है, आपका कुछ अलग ही बिजनेस है, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई उससे कनेक्शन ही नहीं है, तो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट अगर किसी ने डाल दिया है, वो यहां पर दिया है, वो क्या होता है रिस्ट्रिक्ट कंटेंट, तो वहां पर आप क्या कहते हैं उनको कंप्लेंट कर सकते हो, वो हटाया जाएगा। इलीगल कंटेंट है, टेररिस्ट कंटेंट है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, ठीक है, ऑफेंसिव, डेंजरस, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे करके ये कुछ रीजंस हैं। अगर इनमें से कोई रीजन है और आप गूगल को कंप्लेंट करते हो, तो आपका जो बंदे ने फेक रिव्यू डाला है, बैड रिव्यू डाला है, वो हटा दिया जाएगा। तो मैंने आपको कई तरीके बताए किस तरीके से आप हटवा सकते हो, कैसे क्लाइंट से बात कर सकते हो, किस तरीके से आप खुद फ्लैग कर सकते हो, किस तरीके का कंटेंट नहीं हटाया जाएगा, किस तरीके का कंटेंट हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से आप, किन स्टेप्स से आप उसको रिमूव करा सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने गूगल की बिजनेस प्रोफाइल को डायरेक्टली गूगल सर्च इंजन या गूगल मैप्स पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो वो दिखाने समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आए तो आप उससे रिलेट कर पाए कि क्या वो पर्टिकुलर इशू तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपका गूगल बिजनेस अकाउंट जो है, ठीक है, या बिजनेस प्रोफाइल है रिसेंटली वेरीफाइड हुआ है गूगल के द्वारा, ठीक है, या फिर आपको अभी ओनर का या मैनेजर का रोल दिया गया है रिसेंटली, तो 14 दिन लग सकते हैं, 14 डेज लग सकते हैं कि आप डायरेक्टली, आपको वो फैसिलिटी मिले कि आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट को सर्च, गूगल सर्च पे मैनेज कर पाओ। अब दूसरा, कौन कर सकता है? सिर्फ ओनर मैनेज कर सकता है डायरेक्टली सर्च के ऊपर, गूगल सर्च और मैप्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल को,
या फिर मैनेजर भी कर सकता है, तो दोस्तों दोनों कर सकते हैं। और दोस्तों कौन नहीं मैनेज कर सकता बिजनेस प्रोफाइल को गूगल सर्च पे या मैप्स पे, बट वो सिर्फ गूगल बिजनेस मैनेजर से, ये जो आप देख रहे हो गूगल बिजनेस मैनेजर प्रोफाइल मैनेजर अकाउंट से ही कर सकते हैं, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वो लोग कौन है? पहला दोस्तों वो लोग जो मैनेज करते हैं 100 से ज्यादा बिजनेस अकाउंट, 100 से ज्यादा गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट जो मैनेज करते हैं, वो भी सिंगल अकाउंट से, मतलब उन्होंने मान लो ये मेरा एक अकाउंट है और इसी पे ही मैंने 100 से ज्यादा मैनेज कर रहा हूँ रोल ले रखे हैं, तो यह वो सिर्फ डायरेक्ट अकाउंट से ही कर सकते हैं। और दूसरे दोस्तों वो लोग, मान लीजिए आपने अपने यहाँ पर बिजनेस अकाउंट बनाया और यहाँ पर आपने अभी जो अपने बिजनेस की जो ओपनिंग डेट होती है, जो बिजनेस ओपन हुआ कि नहीं हुआ, वो फ्यूचर ओपनिंग डेट रख दी है आपने 90 डेज के बाद की, ठीक है, तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट का ऑप्शन मिलता कहाँ है? दो तरीके हैं। पहला, अगर आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट में हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी ऑप्शन आ रहा है, न्यू ऑप्शन है जैसे कि दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप जा सकते हो, बट हमें तो डायरेक्टली करना है। तो डायरेक्टली करने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले वो मेल आईडी आपकी ओपन होनी चाहिए जिससे आपने गूगल बिजनेस अकाउंट बनाया है, वो ओपन है, तो आप न्यू टैब में गूगल पे टाइप कर दो जो भी आपका नाम है, जैसे मैंने करा मार्केटिंग फंडास, तो अगर मैं डायरेक्टली भी टाइप कर दूंगा मेरे को अकाउंट नहीं ओपन करना पड़ेगा। देखो मेरे सामने गूगल का सर्च इंजन पेज आ गया है, ठीक है, तो यहीं पर ही मेरे नाम के नीचे देखो यहां पर आ गया कि इस महीने लगभग 2500 लोगों ने मेरा बिजनेस व्यू करा है, यहीं से मैं अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, मैनेज कर सकता हूँ, यहां से मैं प्रमोट कर सकता हूँ, अलग अलग चीजें आ रखी हैं, मैं एडवर्टाइज करना चाहूँ तो यहाँ क्लिक करूंगा तो मैं एडवर्टाइज कर सकता हूँ, एडवर्टीजमेंट चला सकता हूँ अपने लोकल एड्स के। उसके अलावा मैं अगर कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहता हूँ तो रिव्यूज को अपडेट कर सकता हूँ, फीडबैक दे सकता हूँ, रिप्लाई ले सकता हूँ, मैसेजेस मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता हूँ और Q&A क्वेश्चन एंड आंसर मैं कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर मेरे को सब दिखाएगा कि किसने मेरे को 5-star अभी न्यू दिया है, ठीक है, यहाँ पर मेरे टर्न मोर व्यूज टू कस्टमर से यहाँ पर दिखाएगा कंप्लीट योर प्रोफाइल, जो मेरी अगर कोई कमी है प्रोफाइल के अंदर तो दिखाएगा, वो मेरे को कंप्लीट करनी पड़ेगी, मेरे जो भी चीज़ें यहाँ पर पेंडिंग है या कोई अपडेशंस हैं, कोई नोटिफिकेशन है डायरेक्ट दिखाएगा, ठीक है। मैं ये मेरे को बोल रहा है कि आप जीमेल का आईडी यूज़ कर रहे हो, आप गूगल प्रोफेशनल मेल आईडी यूज़ कर लो, गूगल का वर्क स्पेस यूज़ कर लो, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर अपडेट ले सकता हूँ, देख सकता हूँ, उनको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना सारा आप देख रहे हो, यहीं से मैं डायरेक्ट अपना ऑफर क्रिएट कर सकता हूँ, यहीं से मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में और जान सकता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से मैं मैसेजेस व्यू कर सकता हूँ, मैं अपना डायरेक्टली सर्च इंजन से कर लूंगा, मेरे को अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वेरीफाइड भी हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो मेरे को ब्लू टिक मिला हुआ है तो मैं वेरीफाइड हूँ अपने, और यहाँ पर मैं पूरी डिटेल देख सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने रिव्यूज वगैरह देख सकता हूँ, यहाँ जो हम पोस्ट कर रहे हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल से वो पोस्ट का डाटा देख सकता हूँ, क्लिक करके मैं उसका पूरी डिटेल देख सकता हूँ, ठीक है, कोई अपडेट ऐड करना है तो यहीं से अपडेट ऐड कर सकता हूँ, जो मेरी प्रोफाइल लिंक है वो प्रोफाइल्स देख सकता हूँ, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स देख सकता हूँ, जिन लोगों को देखा जाता है जो मेरी तरह जो लोग हैं कंपनीज हैं, तो इस तरीके से डायरेक्टली हम बिना अकाउंट में जाए गूगल सर्च और मैप से ही अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैनेज कैसे करनी है वो इस कोर्स में मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, एक एक चीज में एक एक आपको सेक्शन सिखा रहा हूँ कैसे आप चीजों को मैनेज करोगे, उम्मीद करता हूँ आपने पूरा कोर्स देख रहे होगे और आगे भी देखोगे और कंप्लीट सीखोगे, क्योंकि दोस्तों इससे आप ऑर्गेनिकली अपने बिजनेस को विजिबिलिटी दोगे, ग्रोथ दोगे, लीड्स लाओगे, सेल्स भी ला सकते हो और लोग आप तक पहुंचेंगे, जैसे आप देख सकते हो कि हमें हजारों लोग हर महीने देखते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने गूगल बिजनेस अकाउंट का आप किसी को एक्सेस दे सकते हो ताकि वो आपके बिहाफ पे उसको मैनेज कर सके, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप किसी एजेंसी से काम करा रहे हो या आपका कोई एम्प्लॉय है बट आप उसको फुल कंट्रोल नहीं देना चाहते या एक्सेस देना चाहते हो, क्योंकि कई बार लोग अपनी ईमेल आईडी की डिटेल्स नहीं देना चाहते, ठीक है, तो फिर वो दूसरा कैसे मैनेज करेगा, तो उसके लिए भी एक्सेस देना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी को एक्सेस
देना चाहते हो बट पूरा कंट्रोल नहीं देना चाहते हो तो कैसे करना है, तो ये हम सीखेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता ही है कि आपके पास एक जीमेल आईडी होगी तभी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनेगा या जिसको गूगल माय बिजनेस अकाउंट पहले बोलते थे वो बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे हमारा जो बना हुआ है, आप यहाँ पर देखो मार्केटिंग फंडास इंडिया वाली जीमेल आईडी से बना हुआ है। अब मेरे को अगर इसको किसी और को अपने आप अपनी ही दूसरी ईमेल आईडी को एक्सेस देना है किसी या किसी और को देना है तो मैं सीधा यूजर्स में जाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं प्राइमरी ओनर हूँ इसका, ठीक है। मेरे को कोई किसी को एक्सेस देना, मैं ऐड यूजर पे जाऊंगा। यहाँ पर दो रोल होते हैं, ओनर और मैनेजर। ओनर आप मत दीजिएगा क्योंकि ओनर आप रहिएगा, तो ओनर पे क्या फुल कंट्रोल चला जाता है। आप मैनेजर का रोल दीजिएगा क्योंकि उसमें लिमिटेड चीजें ही वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो आप रोल्स दे रहे हो तो इसके अंदर क्या क्या ओनर के पास क्या क्या राइट्स हैं, लाइक ऐड एंड रिमूव यूजर्स, ठीक है, रिमूव बिजनेस प्रोफाइल। तो पूरा पूरा ये बहुत ही कॉशियस है, तो इसलिए ओनर आप ही रहें, किसी और का नहीं मत दीजिएगा, वरना वो आपको भी रिमूव कर सकता है और आपकी बिजनेस प्रोफाइल को भी हटा सकता है, ठीक है। एडिट कर सकता है मैनेजर और ये सारी चीजें कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है और सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। तो मान लो मेरे को अपनी किसी ईमेल आईडी को मैनेजर देना है, तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा, लाइक मैं हितेश गुप्ता की ही डाल देता हूँ। ये मेरी मेल आईडी आ गई, हितेश गुप्ता 2010, ठीक है। अब मेरे को इसको मैनेजर का रोल देना है तो मैं इसको पहले इन्वाइट भेजूंगा। अब जब मैं इसको इन्वाइट भेजूंगा, ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से इनवाइट भेज दिया। अब मैं देखता हूँ क्या हितेश गुप्ता की मेल आईडी पे इनवाइट आया कोई, ठीक है। हाँ आ गया जी, मार्केटिंग फंडाज ने मुझे इनवाइट करा है कि मैं उसका मैनेजर के रोल के लिए, टू मैनेज मार्केटिंग फंडाज। तो अब अगर मैं रिसीव करना एक्सेप्ट करूंगा तो ही मैं वो एक्सेस मिलेगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। तो अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो यहां पर आ गया बिकम ए मैनेजर ऑफ मार्केटिंग फंडाज एक्सेप्टेड एज इतने, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहां पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लूंगा। अब जैसे ही मैंने यहां पर ये एक्सेप्ट करा, ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो गया, डन हो गया। अब देखो मेरे यहां पर ओपन हो गया, मेरे यहां पर वो अकाउंट ओपन हो गया, बट इसमें मैं इसको डन करता हूं। अब मैं दोबारा अगर यूजर्स पे जाऊंगा, एक बार यहां पर रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर यूजर में ये देखो हितेश गुप्ता मैनेजर बन गया है, ओनर अभी भी मेरी मेन ईमेल आईडी ही है। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। अब आप एक चीज देखना, जब यहाँ पर मेन ईमेल आईडी में आ रहा है ऐड यूजर का ऑप्शन, अब मैं मैनेजर वाली में जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ यूजर का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मैं किसी को यूजर रोल या कुछ नहीं दे सकता हूँ, ना किसी को हटा सकता हूँ। तो देखा आपने कितना इजी है रोल देना और सेफ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में कैसे आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हो, बिकॉज इसके बिना आपका जो अकाउंट है गूगल माय बिजनेस का या गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी मैप्स के ऊपर या प्रोफाइल आपकी वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो जब आप अपने अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने आपको इस कोर्स में गूगल बिजनेस प्रोफाइल के कोर्स में सिखाया है अकाउंट क्रिएट करना, तो उस दौरान भी आप ये कर सकते हो। मगर अगर आपने उस टाइम ये नहीं करा तो आप फिर अंदर जाके भी कर सकते हो, बिकॉज ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है वो आपकी वेरीफाई होगी ही नहीं। तो आप यही सेम प्रोसेस अंदर भी कर सकते हो अकाउंट के। तो अब क्या है, एड्रेस तो आपको डालना पड़ेगा तभी आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो लोकेशन जो भी आपकी कंट्री है वो आएगी, एड्रेस जो भी आपको एड्रेस डालना है वो आप यहाँ पर फिल करो, अपना स्टेट डालो जो भी आपको यहाँ पर स्टेट डालना है, और उसके बाद इसको नेक्स्ट करो। तो जब आप इसको नेक्स्ट करोगे तो यहां पर आपसे कुछ पूछेगा कि इनमें से क्या आपका कोई बिजनेस है, तो अगर नहीं है तो आप इसको नन ऑफ दीज कर दो, नेक्स्ट कर दो। अब यहां पर ये जो इन्फॉर्मेशन होम वगैरह पे ऑफिस विजिट वगैरह आप करते हो, यस या नो, अगर करते हो तो यस कर देना, नहीं तो आप नो कर देना, ठीक है। मैं भी नो करता हूं, आगे बढ़ता हूं।
यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट इन्फो डालना होगा, तो कॉन्टेक्ट इन्फो हम डाल देते हैं। यहाँ पर यूआरएल डाल देते हैं हम हमारी वेबसाइट का। ये हम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप आई डोंट हैव अ वेबसाइट करके भी नेक्स्ट कर सकते हो। अपडेट रिकमेंडेशन चाहिए या नहीं चाहिए, यस कर दीजिए, बेटर रहता है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर फर्दर। अब दोस्तों यहां पर ये वेरीफाई करने को बोल रहा है। अब जैसे यहां पर मोबाइल नंबर आ रहा है, पहले का जो होता था उसमें मोबाइल नंबर नहीं आता था। दो ही तरीके होते थे, या तो लैंडलाइन होना चाहिए उस लोकेशन के ऊपर, या पोस्टल कोड, एक कोड आपको उस एड्रेस पे कुरियर के थ्रू गूगल भेजता था। तो वो चीजें तो अभी भी फिजिबल हैं, होती हैं, बट ये जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अंदर ये आप नंबर देख रहे हो जो मैंने डाला है अकाउंट क्रिएशन के वक्त, यहां पर मैं टेक्स्ट मंगा सकता हूं। जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो एक कोड वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है? तो वो कोड मोबाइल में जैसे ही जाएगा तो वो कोड मैं यहां पर पुट करूंगा। अब जैसे वो जो कोड हमारे पास आया गूगल बिजनेस से, वो है 625051, ठीक है? अब मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं। अगर मेरे को चेंज मेथड करना है, ठीक है, तो मैं उसको भी कर सकता हूं, चेंज मेथड। तो उसमें हम फिर पोस्टल कोड और उसका चीजों का कर सकते हैं, बट सबसे इजी है मोबाइल। सीधा मोबाइल पे कोड आया, मैंने वेरीफाई पे क्लिक करा, योर कोड वॉज एक्सेप्टेड, यू आर बींग वेरीफाइड बाई गूगल, दिस मे टेक फ्यू मिनट्स, यू कैन कंटिन्यू मेकिंग एडिट्स योर बिजनेस प्रोफाइल। वो जो हमने अभी चीजें हमें बाकी की जो सेटअप करनी है, एडिट करनी है, वो हम कर सकते हैं और यहां पर हम नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अब जैसे नेक्स्ट करा, बाकी की चीजें फिल करो। ये सब चीजें मैं आपको सिखाई चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में इस कोर्स की, तो कितना ईजी है। बाकी अगर आपके में मोबाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वहां पोस्टल कोड का ऑप्शन होता है, वहां पर फिर आपके उस एड्रेस पर कुरियर आता है, जो पुराना तरीका है, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इजीली वेरीफाई कर लोगे अपने अकाउंट में। मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर कर लिया। थैंक यू। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप किसी भी बिजनेस का रोल अपने पास ले सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो, मतलब एक अकाउंट में मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हो। अब दोस्तों बिजनेस क्या होता है? जैसे मार्केटिंग फंडास एक बिजनेस है और मीडिया भाई एलएलपी एक बिजनेस है। ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, ये अलग अलग जीमेल आईडी से गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई हैं, या जिसको पहले गूगल माई बिजनेस कहा करते थे, अलग अलग बने हुए हैं। अब अगर आप देखो तो मार्केटिंग फंडास के जब हम यूजर्स में जाते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि जो मार्केटिंग फंडाज है वो प्राइमरी ओनर है, जो मतलब जिससे मैंने अकाउंट बनाया था और मैंने हितेश गुप्ता को मैनेजर बना रखा है। बट ये तो यूजर ऐड करने वाली चीज हो गई, जिसका मैंने ट्यूटोरियल इस कोर्स में आपको अलग से सिखाया हुआ है। तो बिजनेसेस क्या है? बिजनेसेस का मतलब एक कंप्लीट एक बिजनेस को आप मैनेज कर रहे हो। अब यहां पर आप देखो नीचे जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो, यहाँ बिजनेसेस का अलग से ऑप्शन आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल आप जो आप देख रहे हो। अब यहां पर जब आप मेरे मार्केटिंग फंडास के अकाउंट में देखोगे तो मैं एक बिजनेस को मैनेज करता हूँ, एक बिजनेस को, वन बिजनेस। और यहां पर क्या आ रहा है? मार्केटिंग फंडास, वो मेरा बिजनेस है और वो वेरीफाइड है। अब जब मैं यहां पर जाऊंगा मीडिया भाई के बिजनेस में, और यहां पर जाके जब मैं बिजनेसेस को देखूंगा तो यहां पर क्या दिखा रहा है? यहाँ टू बिजनेसेस दिखा रहा है, ठीक है? टू बिजनेसेस, ठीक है? एक मार्केटिंग फंडास को भी हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उसका मैनेजर हूं, और एक मीडिया भाई एलएलपी को हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको अगर मेरे को मान लो
इस वाले बिजनेस में जो मेरा मार्केटिंग फंडास का जो मेरा ये अकाउंट है, ठीक है, गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल, इसके अंदर दूसरे बिजनेस को लाना है और उसको यहां से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो मैं बिजनेसेस पे क्लिक करूंगा और यहां पर बिजनेस ऐड करने के लिए मैं ऐड बिजनेस पे जाऊंगा। यहां पर मैं अगर बहुत सारे बिजनेसेस हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हो एक साथ, बट अगर सिंगल बिजनेस ऐड करना है तो ऐड सिंगल बिजनेस पे क्लिक करूंगा। सिंगल बिजनेस पे जब क्लिक करूंगा तो ये मेरे को बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर में लाएगा और यहां पर मैं वो बिजनेस जो मेरे को ऐड करना है वो ऑलरेडी बना होना चाहिए, वो प्रॉपर उसका अकाउंट होना चाहिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। तो यहां पर मैं डालता हूं मीडिया भाई LLP, ठीक है। तो जब मैंने ये डाला तो यहां पर मेरे को दिखा रहा है मीडिया भाई LLP ऑलरेडी एक बिजनेस है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहां पर क्या आ रहा है कि दिस बिजनेस प्रोफाइल हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड, मतलब ये ऑलरेडी किसी की है, तो ऑब्वियसली हमारी ही दूसरी प्रोफाइल हमने बना रखी है, दूसरी ईमेल आईडी से बना रखी है, दूसरी कंपनी है, तो इसलिए उसने वो उसकी ओनर है। तो मैं मार्केटिंग फंडा से जाऊंगा तो मेरे को तो यही दिखाएगा ना। अब मान लो आपको अपने किसी क्लाइंट का या अपने दूसरे बिजनेस को ऐड करना है अपने एक बिजनेस अकाउंट इसके अकाउंट के अंदर, तो आपका भी ऐसे ही वो शो करेगा, या आपको अपने क्लाइंट के बिजनेस को ऐड करना है अपने अकाउंट से मैनेज करना है, तो जब आप अपने क्लाइंट का बिजनेस सर्च करोगे तो इस तरीके से दिखाएगा कि ऑलरेडी वो है और वो उसका ओनर है, बट अब हमें रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। अभी क्या है, इफ यू स्टिल वॉन्ट टू एड दिस बिजनेस प्रोफाइल इन टू योर अकाउंट, अगर अब भी आप ये बिजनेस प्रोफाइल को अपने अकाउंट में ऐड करना चाहते हो तो यू कैन रिक्वेस्ट एक्सेस। तो जिसका करंट ओनर है उससे आपको एक्सेस मांगना पड़ेगा, भैया मेरे को एक्सेस दो, तब आप कर पाओगे, ठीक है। इफ यू वुड लाइक टू अपडेट द बिजनेस प्रोफाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन गूगल यू कैन ऑल्सो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट एक्सेस करना है। तो जैसे रिक्वेस्ट एक्सेस करोगे तो पहले तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप जिसको अब मैं मीडिया भाई को या आप अपने क्लाइंट को जब भेजोगे कि भैया मेरे को एक्सेस दो इस बिजनेस का, तो वो भी तो अपनी मेल में देखेगा ना भी कौन मांग रहा है एक्सेस, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मैं ओनर हूं इस का प्रोफाइल का, मेरे को एक्सेस चाहिए, किस लेवल का एक्सेस मैं उनसे मांग रहा हूं, मेरे को मैनेजर एक्सेस दे दो या ओनरशिप दे दो, ठीक है। मान लो मैं मांग रहा हूं जी आप मेरे को मैनेजर का दे दीजिए क्योंकि मेरे को मैनेज करना है, या ओनरशिप मांगनी है, अगर आपको ओनरशिप लेनी है तो ओनरशिप का ले लो, तो मैनेजमेंट का मैंने एक्सेस मांग रहा हूं। वॉट अब ये पूछता है आपका रिलेशनशिप क्या उस बिजनेस से, जी आप एक उस ओनर हो उसके, कई बार क्या होता है आपका किसी और ने प्रोफाइल बनाया होता है, अब आप उससे सर्विसेज नहीं ले रहे हो, अब आपको उसकी ओनरशिप चाहिए, ठीक है। तो आप ओनरशिप पे क्लिक करोगे और बताओ कि मैं इस बिजनेस का ओनर हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं तो एजेंसी हूँ तो मेरे को मैनेजर का रोल चाहिए और मैं एज एजेंसी यहाँ पर दिखा देता हूँ, एम्प्लॉय हूँ तो एम्प्लॉय दिखा दूंगा। यहां पर मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा जी, मेरा नंबर मैंने डाल दिया और यहां पर मैं एजेंसी का नाम दे देता हूं मार्केटिंग फंडास, ठीक है। अब मैं यहां पर सबमिट करूंगा। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो यहां क्या आया, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट सेंड, यस। तो ये रिक्वेस्ट चली गई है जो करंट ओनर है उसका, ठीक है। और इफ यू हैवेंट रिसीव्ड अ रिस्पांस फ्रॉम देम इन थ्री वर्किंग डेज में अगर आपको रिस्पांस नहीं आता, यू विल बी एबल टू वेरीफाई योर एफिलिएशन विद द बिजनेस टू अगेन एक्सेस, ठीक है। मैनी पीपल फाइंड दैट दे प्रीवियसली क्लेम देयर बिजनेस यूजिंग अनदर गूगल अकाउंट, चेक एनी अदर ईमेल अकाउंट यू ओन इंक्लूडिंग हितेश गुप्ता 2010, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरे को एक्सेस मैंने मांगा, मेरे को चाहिए, तो एक्सेस कौन देगा, जिसके पास वो अकाउंट है अभी। तो मैंने तो एक्सेस मांगा है अपनी प्रोफाइल से, अब मैं एक बार ही देखता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि मीडिया भाई LLP का जो है वो मेरे हितेश गुप्ता से बना हुआ है, तो यहां पर क्या आया कि समवन हैज रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट ऑफ मीडिया भाई, अगर ओनरशिप होता तो ओनरशिप लिखा आता ऑफ मीडिया भाई LLP बाय गूगल माय बिजनेस। तो अब मैं इसकी डिटेल भी देख सकता हूँ, अच्छा ये एक एजेंसी मांग रही है, अगर
मेरे को देना है तो मैं पहले रिव्यू करूंगा रिक्वेस्ट को। अब मैं अपने बिजनेस अकाउंट में आ गया हूं मीडिया भाई एलएलपी वाले, ठीक है। अब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर मीडिया भाई एलएलपी एज अ मैनेजर या रिजेक्ट कर दूं, मेरे को नहीं देनी। रिजेक्ट करनी है तो आप यहां क्लिक करके रिजेक्ट कर सकते हो। अगर एज एड एज अ मैनेजर करोगे तो आप यहां पर एड पे क्लिक कर सकते हो। अब क्या है, मार्केटिंग फंडास का जो गूगल बिजनेस मैनेजर अकाउंट है या गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट है वो मैनेजर बन गया है मीडिया भाई एलएलपी का, ठीक है। थैंक्स मार्केटिंग फंडास, हैव बीन नोटिफाइड दैट यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। अब मैं इसको ओके करूंगा, ठीक है। यहां पर आपने, अब यहां पर आते हैं वापस, इसको ओके करते हैं। मार्केटिंग फंडास ने किया था ना, अब इसको हम यहां पर देख सकते हो। पहले एक था मार्केटिंग फंडास के अंदर, अब यहां पर दो आ गए, देख रहे हैं यहां पर दो आ गए। इवन हम रिफ्रेश करके देख सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो। तो इस तरीके से इवन आपको मैं मेल आईडी में भी दिखाता हूं, यहां पर रिफ्रेश करके, तो जिस मेल आईडी से हमने बनाया है यहां पर आप देखिए, तो यू हैव, पहले था यू हैव रिक्वेस्टेड एक्सेस टू मीडिया बाय एलएलपी। मैंने इस जीमेल आईडी से जो अकाउंट बनाया मीडिया मार्केटिंग फंडास, उससे मैंने रिक्वेस्ट मांगी थी। बट अब क्या आ गया, कांग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ अ मैनेजर ऑफ मीडिया बाय एलएलपी ऑन गूगल माई बिजनेस, गेट स्टार्टेड। अब मैं मीडिया बाय एलएलपी के बिजनेस को भी मैनेज कर सकता हूँ अपने उस अकाउंट से। ऐसे करके आप कितने भी मल्टीपल आप अकाउंट्स को, बिजनेसेस को ऐड कर सकते हो अपने एक अकाउंट में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। अब दोस्तों, जैसे कि आप वेबसाइट अगर आपके पास नहीं है और आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, तो वहां पर आप यहाँ पर डैशबोर्ड में देख सकते हो, बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वेबसाइट का, लेफ्ट हैंड साइड पे। जब आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंटेंट आपने डाल रखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, चाहे वो आपका लोगो है कंपनी का, चाहे आपका कॉन्टेक्ट अस की डिटेल्स हैं, अदर डिटेल्स हैं, फोटोज हैं, बैनर्स हैं, तो उन सब चीजों को यूज करके गूगल ने, लोकेशन, मैप, इन सब चीजों को यूज करके एक आपकी बिजनेस पेज बना दिया है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये एक बिजनेस पेज है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका जो डाटाबेस है उसको यूज करके गूगल बनाता है। यहां पर अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहां पर बहुत सारी थीम्स मिलती हैं। मान लीजिए मेरे को ये थीम सेलेक्ट करनी है तो इसके हिसाब से मेरा स्टाइल हो जाएगा, मेरे को ये थीम चूज करनी है तो इसके हिसाब से मेरा स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको थीम रखनी है आप उसको क्लिक करके उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, वरना वो फिर पब्लिश हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे को कुछ चेंज नहीं करना है, मेरी अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट है इसलिए। तो जिनके पास वेबसाइट नहीं है और वो अपनी सिंगल पेजर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल आइडेंटिटी गूगल के ऊपर अपनी रखना चाहते हैं, उनके लिए फ्री ऑप्शन है। और अगर आपका पास अपना डोमेन नहीं भी है तो जैसे आप यहां पर देख रहे हो marketing-fundas.businesssite, तो ये गूगल की तरफ से यूआरएल भी हमारे पास आ जाता है, तो वो आप उसको देख के वहां पर ओपन कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, इसे बना सकते हो। बट अगर आप अपना डोमेन बाय करना चाहते हो, उसके बारे में बताऊंगा। यहां पर थीम सेलेक्ट करने के बाद एडिट का ऑप्शन होता है, टेक्स्ट का एडिट का ऑप्शन होता है, तो ये मेरे को यहां पर जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर क्या आ गया, प्राइमरी बटन, तो उसके नीचे यहाँ पर गेट कोट आ रहा है, तो गेट कोट के नीचे यहाँ पर सेंड कस्टमर्स नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये जो डाटा है ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर अब हमने उसके नीचे हेडलाइन देनी है, जैसे मार्केटिंग फंडास मैंने हेडलाइन दे रखी, तो यहाँ पर वो शो हो रही है। अब मान लो मार्केटिंग फंडास मैं यहाँ पर ग्लोबल कर देता हूँ तो यहाँ पर वो आएगा। तो इस हिसाब से आप अपना जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, अपना डिस्क्रिप्शन जो उसके नीचे आ रहा है वो चेंज कर सकते हो, कोई आपको हेडर में समरी देनी है तो वो आप दे सकते हो, लाइक बेस्ट, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेस्ट डिजिटल
मार्केटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई समरी देनी है तो वो समरी आप दे सकते हो, वो आपके हेडर में दिखाई देगी। और दोस्तों इसके साथ साथ बॉडी के अंदर आपको अगर कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पर बॉडी में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर बॉडी में आप उस चीज को चेंज कर सकते हो। ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और उसको अलाइन करना है तो ये बेसिक एडिटिंग आप कर सकते हो इसके अंदर। उसके साथ साथ कोई फोटोग्राफ्स, मैं इसको चेंज इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, कोई फोटोग्राफ्स फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करनी है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हो। और वो तो फोटोग्राफ्स यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो हमारी फोटोग्राफ्स हैं, यहाँ पर इस तरीके से वो डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आपको कोई और सेटिंग्स करनी है, ठीक है, आपको पब्लिश करना है अब, क्योंकि मेरी साइट अभी पब्लिश नहीं है, मेरे को वेबसाइट नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ये सारी चेंजेस कर लोगे और वेबसाइट को पब्लिश नाउ करोगे तब ये सारी की सारी चेंजेस, ये सारी सारी चीजें पब्लिश होंगी, ठीक है। गेटिंग टिप्स फॉर गेटिंग कस्टमर, आपको टिप्स लेनी है, टिप्स ले सकते हो। साइट सेटिंग्स देखनी है, कोई लैंग्वेज वगैरह आपको सेट करनी हो यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक टूल दे रखा है, जिस बेसिक टूल से कुछ भी ना होने से बेटर अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबसाइट बनाओ तो उससे बेहतर क्या है, जिसमें आप अपनी कंपनी का नाम, अपने बारे में कुछ बता सकते हो, कुछ इमेजेस डाल सकते हो, बैनर्स डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, आपका लोकेशन मैप सब कुछ आ जाएगा, तो कस्टमर वहां से काफी कुछ आपके बारे में जान सकता है। अब आप चाहते हो कि पब्लिश हो जाए तो वो URL तो आपको मिलेगा नहीं, वो तो फिर बिजनेस साइट के नाम से आएगा। मगर आप अपना डोमेन चाहते हो तो यहाँ गूगल ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना डोमेन बाय कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि आप info.org क्योंकि .com तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने बुक कर रखा है। तो डोमेन नेम आपको बाय करना है तो आप बाय करने के लिए क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना डोमेन नेम बाय कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना gsuite gmail की ईमेल आईडी बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहो अपने डोमेन नेम बुक करो और फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाओ, और आप जीमेल की ईमेल आईडी यूज करके प्रोफेशनल वेबसाइट अपने डोमेन नेम पे भी लॉन्च कर सकते हो, वो भी कुछ ही एक दो घंटे के अंदर अंदर या उससे भी कम में। पब्लिश जरूर करना है सारे चेंजेस करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ वो लोग जिनकी वेबसाइट नहीं है और वो इंस्टेंटली एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को बताना चाहते हैं कि उनकी बिजनेस क्या है, उनका लोगो, उनके बारे में उनकी डिटेल्स, तो वो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। और लेटर ऑन दोस्तों जब आपके पास बिजनेस ग्रो होता है तो उसके हिसाब से आप वेबसाइट डिजाइनिंग करवा भी सकते हो, किसी भी लेवल की वेबसाइट बनवा सकते हो। तो फॉर बिगनर्स ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, फ्री ऑप्शन है। सिर्फ डोमेन बाय कर लोगे तो आपके डोमेन पे चलेगी, डोमेन नहीं भी बाय करोगे तो इनके बेसिक सब डोमेन पे चलेगी। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और आप एक फ्री वेबसाइट बनाना चाहते हो तो तुरंत इसके थ्रू बना सकते हो, बनाने के बाद पब्लिश कर दीजिएगा। बट उससे पहले इस कोर्स में जो भी हमने आपको चीजें सिखाई हैं, अपने आपको इंफॉर्मेशन कैसे फिल करनी है, आपको अपना मैसेजेस, फोटोज, ये सारी चीजें कैसे यूज करनी है, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने, सर्विसेज कैसे डालनी है, वो सारी चीजें पहले आप वो सीखो इस कोर्स से, वो सारा डाटा इसके अंदर होगा तो आप इजीली एक वेबसाइट बना पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये वेबसाइट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपनी मैनेज करते हो, इसके ऊपर आपका बिजनेस है और बहुत सारे बिजनेस है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू, उसकी हेल्प से गूगल सर्च, गूगल मैप्स के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस भी कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस बहुत ही अच्छे लेवल पे है दोस्तों, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और डेली का उनका इसके ऊपर वर्क रहता है क्योंकि वो इसके थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ये कोर्स जो हम सिखा रहे हैं उसको सीख के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करो, लोगों तक पहुंचाओ। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आती है, कई बारी आपके कुछ इश्यूज आ रहे हैं अकाउंट के अंदर, आपकी कुछ चीज वेरीफाई नहीं हो रही या आपके अकाउंट में कुछ इशू आ गया, सस्पेंड हो गया, कोई भी दिक्कत हो गई, तो आप गूगल पे कैसे गूगल की टीम से बात करोगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कैसे इशू रिजॉल्व करवाओगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोगे, तो कैसे कस्टमर सपोर्ट टीम पे बात करोगे। तो उसके लिए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक सपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। जब आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माय बिजनेस अकाउंट जो पहले होता था उसके अकाउंट में जब जाते हो तो सपोर्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। सपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप बिल्कुल यहां पर नीचे जाके देखो, इधर बॉटम में ये जो हेल्प का ओपन हुआ है कॉन्टेक्टस का ऑप्शन है, यहां पर हम क्लिक करेंगे कॉन्टेक्टस पे। जब हम कॉन्टेक्टस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा, ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं कॉन्टेक्टस, विच बिजनेस डू यू नीड
टू हेल्प विद। तो अब जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ जी मेरा, क्योंकि मैं अपने अकाउंट में हूँ और इस अकाउंट में दो बिजनेस दिखा रहा है, तो जिस भी बिजनेस में प्रॉब्लम है मैं मार्केटिंग फंडास का सेलेक्ट कर लूंगा। टेल अस व्हाट वी कैन हेल्प यू एग्जांपल, अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं इशू विद सम फीचर्स, ठीक है, ये मैंने ऐसे डमी के लिए लिख दिया। आपका जो भी इशू है आप अपना इशू लिखो, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो यहां पर वो पूछेगा किस चीज से रिलेटेड है, डिसेबल बिजनेस है या कोई और इशू है, जो भी है अदर है तो आप अदर कर सकते हो। मान लो अगर मैं यहां पर अभी लिख देता हूं सर्च क्यूरी डाटा इशू, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, और मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूं। अब ये मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। अब ये कह रहे हैं यहां पर कुछ आर्टिकल्स ब्लॉग्स वगैरह हैं, आप उनको पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपको रिसोर्सेज देखने तो देख सकते हो, नहीं देखने तो आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो। अब जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो यहां पर देखो ऑप्शन आता है ईमेल का, तो जब आप ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर पहले मेरा नाम पूछेगा, तो यहां पर मैं अपना नाम लिख सकता हूं, लाइक मैंने यहां पर अपना नाम लिख दिया हितेश गुप्ता, ठीक है, हितेश गुप्ता ने लिख दिया। आर यू ट्राइंग टू वेरीफाई योर बिजनेस, नहीं मैं वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद बिजनेस, अब मेरा क्या है इसके तक, मैं ओनर हूं इस बिजनेस का, मैं लिख दूंगा आई ओन दिस बिजनेस, आप मैनेजर हो एजेंसी तो वो लिख देना, ठीक है। व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस ये नहीं है, तो जिस ईमेल एड्रेस से आपने ये अकाउंट बना हुआ है आपको वो ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। तो मैं अपना वो ईमेल एड्रेस डालूंगा, वो ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैं अपना यहां पर फोन नंबर डालूंगा, तो यहां पर मैंने अपना फोन नंबर डाला। फोन नंबर डालने के बाद मैं अपनी कंपनी का नाम, अपना एड्रेस, यहां पर कोई मेरा जो यूआरएल है, व्हाट इज द पब्लिक यूआरएल या मैप लिंक ऑफ योर पेज, ठीक है, तो उसका जो यूआरएल है वो मैं यहां पर पेस्ट करूंगा। तो इस तरीके से ये डिटेल भरने के बाद सारी की सारी, व्हाट इज योर बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, डिस्क्राइब योर इशू, मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा, डिस्क्राइब योर इशू उसको और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, रिलेटेड केस आईडी, ठीक है, इफ यू एनी, अगर आपकी कोई केस आईडी है तो अब पहले अगर आपका इशू था कोई आपके पास आईडी है तो डाल देना, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। और इसको जब आप सबमिट करोगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये फिर गूगल की सपोर्ट टीम के से आपको कॉल आएगा या आपको कोई चैट या कोई आपकी मेल पे डिटेल आएगी। तो इस तरीके से आप मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू उनसे सपोर्ट ले सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ लोगों को पता नहीं होता कहाँ से जाना है, कैसे करना और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो वो तरीका मैंने आपको बताया है और ये बिल्कुल वर्केबल है, 100% जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ पर अभी कोविड की वजह से है, करंटली ये लिमिटेड सपोर्ट के संग है, इट मे टेक लॉन्गर देन यूजर कनेक्ट विद अस, तो वहां पर थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ उनसे आप इनकी कॉल के थ्रू भी आप इनका सपोर्ट ले सकते हो, मेल के थ्रू भी ले सकते हो, चैट के थ्रू भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब कोई प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से आप टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स की गूगल माय बिजनेस या जो आज की डेट में गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उस पे कैसे उनको पाए कर सकते हो, उनकी डिटेल्स देख सकते हो, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब आप देख सकते हो। तो ये हम आपको बताएंगे वो स्पाइंग टूल्स। अब दोस्तों यहाँ पर स्पाइंग मतलब जासूसी ये करना वैसे तो लीगल है नहीं, बट वो लीगल तब नहीं है जब आप किसी के कॉन्फिडेंशियल जो उनके इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर रहे हो बिना उनको बताए या बिना उनकी नॉलेज में, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्पाइंग का मतलब क्या होता है कि आप कुछ ऐसे फ्री और पेड टूल्स यूज करते हो जिनकी मदद से आप अपने कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज और उन्होंने जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, तो ऑनलाइन है, ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है जो मतलब आप वो लोग किसी को दिखाना नहीं चाहते क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए है, बट आप उन टूल्स की मदद से अपने कॉम्पिटिटर्स की इन्फॉर्मेशन कैसे स्मार्टली स्पाई कर सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी चीज़ों में बदलाव कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो, उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे अब मान लो जैसे किसी ने डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी गूगल पर सर्च करा, तो इस तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स आती हैं जिसको गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग कहते हैं, मैप आता है, ठीक है, तो जैसे कि हमारे भी आ रही हैं दूसरों की भी,
अब मैं अपने कॉम्पिटिटर्स का देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उनके उनसे अहेड रहना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए कुछ टूल्स आते हैं, फ्री भी हैं पेड भी हैं। अब जैसे हम पहले यहाँ पर डालते हैं गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन डाला हमने। अब गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, अब गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे आप, जैसे अगर टूल का नाम पता है तो आप वो नाम डाल सकते हो, नाम नहीं पता है तो आप ये डाल सकते हो लाइक GMB गूगल माई बिजनेस स्पाई टूल्स, ठीक है, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। तो कुछ टूल्स आएंगे, स्पेसिफिकली आप ध्यान रखिएगा वो टूल्स लोकल SEO के लिए होने चाहिए, और उनके कुछ रिव्यूज वगैरह भी आप देखते रहिए। जैसे कि ये GMB एवरीवेयर आ रहा है, GMB क्रश आ रहा है, ठीक है, इसके रिव्यूज और अच्छे हैं, GMB स्पाई आ रहा है, तो ये टॉप 3 टूल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो इसकी सबसे अच्छी रेटिंग है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब ये मैंने गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे करा, अब यहाँ पर देखो कितने हजारों लोग इस टूल को यूज कर रहे हैं। तो हमेशा रिव्यू रेटिंग देख के और वो ट्रस्ट वर्दी है टूल के नहीं, वो सब देख के कीजिएगा। और स्पेसिफिकली आप गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए कर रहे हो तो यहाँ आप पढ़िएगा कि क्या वो टूल उस पर्टिकुलर चीज के लिए है कि नहीं जिसके लिए हम इस टूल को ले रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। दूसरा, अब जैसे हमने GMP स्पाई टूल डाला, आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हो लोकल SEO स्पाई टूल्स, आप ऐसे लिख दो। अब जब आप ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पर ये फिर इन्हीं को ही दिखा रहा है, क्योंकि स्पाई में यही आते हैं। अगर आप मान लो स्पाई हटा देते हो, सिर्फ लोकल SEO टूल्स लिखते हो, तो यहाँ पर कैटेगरी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक और प्ली प्लेयर आ गया, प्लीपर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर लोकल स्विस नाई फार्मी आ गई, तो अलग अलग है। अब यहाँ पर आप एक्सटेंशन सिर्फ देखना चाहते हो तो आप एक्सटेंशन देख लो, और बहुत सारे आ गए, है ना। यहाँ पर देखो SEO मेनन आ गया, कई हैं, बहुत सारे हैं, बट उनका पर्पस अलग अलग है। अब जैसे ये जो आ रहा है, ये आ रहा है ऑन पेज SEO एनालिसिस के लिए, ठीक है, तो ऑन पेज SEO एनालिसिस का ये अच्छा लग रहा है, रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। क्यों, तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप अपने ये देखो कितने लाख लोगों ने, 1 लाख से ज्यादा लोग इस एक्सटेंशन को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहले तो अपना टूल चूज करो। अब मान लो हमने GMB क्रश टूल स्पाई, मतलब जो GMB के लिए है, उसको हमने चूज करा और इसको एड टू क्रोम एक्सटेंशन करेंगे। अब जब हम इसको एड टू एक्सटेंशन करेंगे तब ये हमारे जो ये एक्सटेंशन है क्रोम का, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐड हो गया, है ना। अगर कभी भी आपको रिमूव करना है तो इस एक्सटेंशन पे क्लिक करो और यहाँ पर इसको जो खुलेगा इसको रिमूव भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने आइकन पे क्लिक करा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसमें क्या है कि इसको आप अपने ईमेल एड्रेस, जिससे भी आपका गूगल माय बिजनेस जो आपका बना हुआ है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना है, उस ईमेल एड्रेस को डालिए, उसका पासवर्ड डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डालता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना एक ईमेल एड्रेस पुट करता हूँ और उसका मैं पासवर्ड डालूंगा। तो जब मैं वो पासवर्ड वो सब चीजें डालूंगा तो ये लिंक हो जाएगा मेरे उस अकाउंट से, और लिंक होने के बाद ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। अब वो ये हमें इंफॉर्मेशन जो बताएगा वो आप देख सकते हो, इसका एक ओवरव्यू में जाके देख सकते हो कि यहां पर क्या है एक्सटेंशन गूगल, ये जो टूल है प्रोफाइल रिवर्स इंजीनियरिंग गूगल माय बिजनेस कंप्यूटर सक्सेस इन कपल ऑफ इयर्स, ठीक है, फ्री लोकल रैंकिंग ट्रैकर है, ठीक है, आप लोगों की जो रैंकिंग है उनको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, उनके जो कीवर्ड्स जो वो लोग यूज करते हैं क्रॉस द मैप वो आप ट्रैक कर सकते हो। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप इस एक्सटेंशन की मदद से, आप ये पूरी लिस्ट देखो, ये पूरी लिस्ट पढ़ो,
कि वो क्या क्या चीजें ये टूल से आपको बेनिफिट है, क्या क्या चीजें मिलेंगी, रिव्यूज, ठीक है, बिजनेस टाइटल्स वो क्या यूज कर रहे हैं, उनकी मेन कैटेगरीज क्या है, उनकी हिडन कैटेगरीज क्या है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज है, कितने उनके रिव्यूज हैं, उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है। अगर ये सारी चीजें आपको अपने कॉम्पिटिटर का दिख जाए, मिल जाए, तो आप इसके बेसिस पे अपनी जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसकी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, उसके आप अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उनसे बेहतर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जब आपको दूसरों की स्ट्रेटेजी पता है और आप उससे बेहतर कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ज्यादा बेहतर आएंगे एज कम्पेयर टू आपके कॉम्पिटिटर। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई डरना या डराया जाता है इन सब चीजों के पीछे, कुछ नहीं करना आपको, बस चीजों को रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, अपनी चीजों को बेहतर करना है। तो स्पाई टूल्स कोई जासूसी के उपकरण नहीं है, हर चीज वही वो आपको दिखाते हैं जो दूसरे कर रहे हैं और वो ऑनलाइन अवेलेबल है, डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इन टूल्स को सही तरीके से यूज करो अपने फायदे के लिए, किसी का नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब दोस्तों जैसे मैंने मेल आईडी डाला, ठीक है, और मैं पासवर्ड डालूंगा, बट ये तब है जब मेरे पास इसका अकाउंट होगा क्रिएटेड। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप यहाँ पर जाओगे डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो पहले आप उसको उसमें अकाउंट क्रिएट करोगे, तो साइन अप करोगे, क्लिक करोगे यहाँ नीचे, यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अपनी डिटेल डाल दो, ठीक है। तो आपको यहां अपना डिटेल डालना है, जो भी ईमेल एड्रेस से आपको बनाना है वो ईमेल एड्रेस डालना है, और अपना पासवर्ड आपको रखना है, वो पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब उस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मेल गया होगा, क्योंकि वेरीफाई तो करेंगे ना कि आप जेन्युइन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो वहां पर मैं अपनी ईमेल आईडी को रिफ्रेश करता हूँ एक बारी, ठीक है। अब ये देखो जीएमपी क्रश से एक मेल आया, हेलो हितेश, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो अब आप लॉगिन भी कर सकते हो। तो दोनों चीजें, अब हम अपने अकाउंट में भी आ गए, ये देख रहे हैं आप, ये हमने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, और अब मैं यहां पर मैं इस एक्सटेंशन को ऑन करता हूँ, जीएमबी क्रश, यहां पर मैं इसको पिन करूंगा, ठीक है। अब यहां पर मैं सर्च करूंगा, अब यहां पर मैं गया, डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको सर्च करा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक करा, और यहां पर क्लिक करने के बाद इधर क्लिक करूंगा सर्च नाउ पे, इनका जो ऑप्शन आ गया इसका, तो जीएमबी कैटेगरी फाउंडेड बाय जीएमबी क्रश। अब यहां पर ये डाटा जो है इसको फेच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वी आर क्रशिंग, प्लीज वेट। तो नाउ दे आर प्रोसेसिंग। अब ये जो एक्सटेंशन है ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट भी ओपन करा इन्होंने, इनका ये जो इन्होंने टाइटल या जो यूज कर रखा है मेटा टैग्स वगैरह में वो यूज करा। अब पूरा का पूरा यहाँ पर ये टाइटल लेकर आ गए, कैटेगरी इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, इनकी कैटेगरी लेकर आ गए, सिंगल कैटेगरी, कोई एडिशनल कैटेगरी नहीं है। रेटिंग लेकर आ गए, 20 रिव्यू हैं इनके, ये लेकर आ गए, रिव्यू एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन लेकर आ गए हैं। तो इस तरीके के अब यहाँ पर इनका डाटा हमारे सामने आ गया है। ऐसे करके आप कितने भी कॉम्पिटिटर्स का डाटा फेच कर सकते हो।
तो ये कोई स्पाई नहीं हो रहा है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो इस कंपनी ने ऑलरेडी गूगल पे डाल रखी है अपने ऑडियंस के लिए। बस एक टूल के मदद से आपको सारी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाती है, एक स्ट्रक्चर वे में मिल जाती है, ताकि उस डाटा को आप एनालाइज कर सको, एनालाइज करने के बाद अपनी चीज़ों को बेहतर बना सको, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से अहेड रह सको। इसलिए टूल्स हेल्पफुल हैं, स्पाई टूल्स है, ये सब चीज़ें करके डरने डराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका सही इस्तेमाल करो अपने फायदे के लिए, ना कि किसी के दूसरे के नुकसान के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैं आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में न्यू बिजनेस आप कैसे ऐड कर सकते हो अपने इसी प्रोफाइल में या इसी गूगल बिजनेस अकाउंट में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है कि कैसे आप मल्टीपल बिजनेसेस ऐड कर सकते हो। अब मान लो मेरी एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना हुआ है मीडिया भाई मेरी एक कंपनी के नाम से, ठीक है। अब मेरा एक दूसरी जीमेल आईडी दूसरे गूगल अकाउंट से बना हुआ है, मार्केटिंग फंडास का बिजनेस बना हुआ है, ठीक है। अब क्या मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि आप मल्टीपल बिजनेस, मतलब एक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट है और इसमें मान लो आप अपना अपने किसी क्लाइंट का बहुत सारे बिजनेसेस ऐड करना चाहते हो, एक ही जगह पे सारे बिजनेसेस लेकर आना चाहते हो। जैसे कि जब मैं बिजनेसेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो बिजनेसेस मेरे ऐड हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत सारे और भी कर सकता हूँ, बट हम ये बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि न्यू बिजनेस। मान लो मेरी एक कंपनी जो है मार्केटिंग फंडास है, ठीक है, इसका एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लो मेरी एक और कंपनी ओपन होती है मार्केटिंग फंडास ब्लॉगिंग, न्यू कंपनी मान लो ब्लॉगिंग एक कंपनी में ओपन करता हूँ, या मार्केटिंग फंडास गैजेट्स एक गैजेट्स की कंपनी ओपन करता हूँ, बट एड्रेस मेरा यही ऑफिस है, मैं सेम ही अकाउंट रखना चाहता हूँ, इसी में मेरा वो बिजनेस भी हो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे, एड न्यू बिजनेस, तो मैं इधर क्लिक करूंगा एड न्यू बिजनेस के ऊपर। अब यहां पर सर्च नहीं करना मुझे, क्योंकि वो मेरा न्यू बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो मैं ऐड योर बिजनेस टू गूगल पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर मैं अपना वो बिजनेस क्रिएट करूंगा, पूरी प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। यहां पर मैं डालता हूं मार्केटिंग फंडास, जैसे मैं डालता हूं मार्केटिंग फंडास, ठीक है, ठीक है, गैजेट्स, ठीक है। तो ये मैंने डाला, ये मेरी कंपनी नई कंपनी है मार्केटिंग फंडास गैजेट्स, एक एग्जांपल डाल रहा हूं, ठीक है। ऐसे करके जो मैंने आपको इस कोर्स में पूरी गूगल बिजनेस अकाउंट पूरी प्रोफाइल बनाना सिखाया है, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। तो वैसे ही सेम आपको बिजनेस क्रिएट करना है, क्योंकि मेरे को नहीं करना है इसलिए मैं बैक कर रहा हूं, ठीक है। तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको एक स्टार्टिंग ऑफ दिस कोर्स में सिखाया था, कि अगर आपको गूगल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है, एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसकी सारी सेटिंग्स सिखाई थी, चाहे वो पोस्ट हो, इन्फो हो, इनसाइट्स हो, रिव्यूज हो, मैसेजेस हो, फोटोज हो, प्रोडक्ट्स हो, सर्विसेज हो, वो सब आपको करना है, बट वो एक अलग गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट में नहीं बनेगा, वो आपके इसी सेम इसी अकाउंट के अंदर आपका एक और नया बिजनेस ऐड हो जाएगा। जैसे मेरा मार्केटिंग फंडास का बिजनेस ऐड है, वहां एक और आ जाएगा मार्केटिंग फंडास गैजेट्स। ऐसे करके मैं एक और कल को न्यू बिजनेस दो साल बाद ओपन करता हूँ, वो आ जाएगा। अगर मैं एक ही अपने प्रोफाइल से मल्टीपल न्यू बिजनेस चलाना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, तो ये इतना ज्यादा सिंपल है, इतना ज्यादा इजी है, क्योंकि इंसान एक कंपनी के अंदर एक एड्रेस पे मल्टीपल बिजनेस चलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ये जो ऑप्शन है ऐड न्यू बिजनेस का, इसको यूज करो, इसमें और इसमें फर्क है, डिफरेंस है। इसलिए मैंने ये दोनों वीडियोस बनाई हैं इस कोर्स के अंदर, ताकि आपको बेसिक डिफरेंस और उसका यूज समझ में आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये, अगर आपका कोई न्यू बिजनेस आप ओपन करते हो तो आप वो बना के सेम प्रोसीजर से क्रिएट कर देना, तो वो इसी अकाउंट से आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग, जो कि अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर अकाउंट है, वहां से
आप कैसे अपने मैप पे या अपनी लोकल लिस्टिंग पे ऐड चला सकते हो, कैसे अपने स्टोर तक, फिजिकल लोकेशन तक ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, कैसे कस्टमर्स आपको कॉल करें, ठीक है। तो ये एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप लोकल विजिबिलिटी, लोकल बिजनेस, लोकल फुटफॉल बढ़ाना चाहते हो। आज मैं आपको दो तरीके बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। वैसे तो गूगल एड्स का हमने 20 घंटे का ट्यूटोरियल हमारे चैनल में है, कंप्लीट गूगल एड्स है, और लगभग प्लेलिस्ट भी है, अलग अलग करके आप 100+ वीडियोस देख सकते हो। बट ये स्पेसिफिकली क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस का ये कोर्स है, इसलिए ये वाला वीडियो एड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली ये कनेक्टेड है सिर्फ लोकल लिस्टिंग से, एड कनेक्टेड है। तो दोस्तों, बट ये जो एड है वो चलेगा गूगल एड से ही। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, गूगल माई बिजनेस पे, कहीं पर भी आपको एड चलाना है, वो चलेगा गूगल एड से ही। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट के अंदर हूँ, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यू कैन सी माई गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप डायरेक्ट एड्स पे जा सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एड का लेफ्ट हैंड साइड पे, और टॉप में भी ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एड का, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें लेके जाएगा गूगल एड अकाउंट में। जैसे मैंने क्लिक करा, गूगल एड अकाउंट में लेके जाएगा, ठीक है। मगर मैं आप लोगों को, एक तो इस तरीके से भी जा सकते हो, एक बार इसको ओपन होने दीजिए, और दूसरा तरीका है कि अगर आपने गूगल, आपका ऑलरेडी गूगल एड्स का अकाउंट बना हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपका गूगल एड्स का अकाउंट बना हुआ है, जैसे हमारा बना हुआ है, तो भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब दोस्तों, अगर आप यहां पर क्लिक करके जाओगे तो भी गूगल एड अकाउंट में जाओगे, गूगल अकाउंट बना हुआ है तब भी आप उसी में जाओगे। मगर एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जिस मेल आईडी से आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, उसी मेल आईडी से आपका गूगल एड्स होना चाहिए, वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बिकॉज तभी वो अकाउंट इंटरकनेक्टेड होंगे। अब एड बनाने के लिए दो तरीके हैं। चलिए पहले हम चलते हैं कैंपेन्स में। हम मार्केटिंग फंडास के गूगल एड अकाउंट में हैं कर। अब यहां पर एड बनाने के लिए, कैंपेन बनाने के लिए हम हमेशा इधर क्लिक करते हैं, न्यू कैंपेन के लिए यहां क्लिक करेंगे। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव कह रहा है, ऑब्जेक्टिव हम ये भी चुन सकते हैं, ये भी चुन सकते हैं, क्योंकि हमें तो लोकल अपना बिजनेस, लोकल विजिबिलिटी, लोकल स्टोर विजिट बढ़ाना है, ठीक है, माय बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड है हमारा। बट मैं अभी के लिए चुन लेता हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल। अब यहाँ पर दो चीजें आप चूज कर सकते हो, पहला ये स्मार्ट एड्स, जिसको गूगल एक्सप्रेस एड्स भी बोला जाता है, और दूसरा लोकल एड्स। पहले मैं समझा देता हूँ आपको स्मार्ट एड्स का, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब स्मार्ट एड्स पे जब मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए कि आप चाहते हो कि कोई आपका ऐड देखे और डायरेक्ट आपके बिजनेस के लिए आपको कॉल करे, ठीक है, या आप अपने सीधा स्टोर पे आप लेकर जाना चाहते हो कस्टमर को, या वेबसाइट पे भी लेकर जाना चाहते हो। तो दोस्तों, मेन तो अगर आपको लोकल लिस्टिंग माई बिजनेस का आपको ऐड चलाना है, तो दो ही, या तो आप कॉल करवाइए कस्टमर से, डायरेक्ट कॉल आए, या आप अपने स्टोर फ्रंट पे लेकर जाइए, मेन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम चुन लेते हैं विजिट टू योर स्टोर फ्रंट, कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर ये मेरे से दो चीजें पूछता है, आप यस यूज इन्फो फ्रॉम बिजनेस प्रोफाइल या आपको नहीं चुननी। तो दोस्तों, अगर हम अपने माय बिजनेस पे अपना ऐड चलाना चाहते हैं, लिस्टिंग पे ऐड चलाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें यही चुनना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपके मल्टीपल लिस्टिंग आ रही है, तो मैं मार्केटिंग फंडास की चुन लूंगा बिजनेस प्रोफाइल, और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। और जब इसको मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहां पर आ गया, ये मेरी बिजनेस प्रोफाइल हो गई। और यहां पर देख भी सकते हो कि प्रीव्यू योर बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। और अगर मैं योर वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट का आएगा, बट मेरे को अपनी प्रोफाइल का करना है, वेबसाइट का ऐड नहीं चलाना। वो तो मैंने आपको अलग से वैसे सिखा रखे हैं गूगल एड्स में, क्योंकि अगर वो आप बिजनेस प्रोफाइल का ही चलाओगे, अगर आपको लोकल बिजनेस लिस्टिंग वगैरह पे ऐड चलाना है। और यहां पर आप नेक्स्ट करो, जब आप नेक्स्ट करोगे
तो यहां पर आप देख सकते हो थैंक्स पीपल केम हेयर आफ्टर दे क्लिक योर एड, तो मोबाइल पे ऐसा दिखेगा हमारा एड, देख रहे हो आप, और डेस्कटॉप पे इस तरीके से दिखेगा हमारा एड, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब जैसे हम हेडलाइंस भरते हैं, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग, ये तो ऑटोमेटिकली गूगल हमारी प्रोफाइल से ले रहा है ना, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से एड चलाएगा, डायरेक्शंस कॉल दोनों ऑप्शन देगा, ठीक है, ये हेडलाइंस वगैरह आ गई, वो आप अपने हिसाब से अपनी हेडलाइंस कस्टमाइज करके डाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको नंबर देना है वो आप यहाँ पर नंबर दे सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर ये सब जो डिटेल एक्चुअल में ये कहाँ से ले रहा है, आपके बिजनेस प्रोफाइल से ले रहा है, अगर आपको चेंज करना है कर सकते हो, बट ये दोनों वही रहेंगी क्योंकि ये आपके अकाउंट से आ रही है, नंबर भी जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में है और आपका लोकेशन भी, तो ये परफेक्ट है, डन है, आपने देख लिया। देखने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो, तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे, ठीक है, अब ये कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दो जो आपके एड सर्चेस से, जब आप चाहते हो लोग ये सर्च करें तो आपका एड दिखे, तो हम कर देते हैं जी, मार्केटिंग एजेंसी पे दिखे, डिजिटल मार्केटिंग पे दिखे, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे दिखे, ठीक है, सॉरी मैंने ये गलती से ये क्रॉस कर दिया, बट एक्चुअल में हम चाहते हैं ऐड करने के लिए कीवर्ड्स आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई सर्च करे, मीडिया मार्केटिंग एजेंसी कोई सर्च करे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई सर्च करे, ठीक है, तो इस तरीके से आप वो कीवर्ड्स चुन लो जिन पे आप चाहते हो कि लोग सर्च करें तो आपका ऐड दिखे, आपको पीपीसी एडवर्टीजमेंट देखना कर लो। अगर आप ये करने के बाद, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट कीजिए, अपने कीवर्ड्स ऐड करने के बाद जब आपने करा, देखो ऐड कंप्लीट होता जा रहा है धीरे धीरे, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एड्रेस दिख रहा है, मैप दिख रहा है, अब वो पूछ रहा है कि आपको जो आपकी लोकेशन है उसके कितने किलोमीटर एरिया के अंदर ऐड दिखाना है। जी मैं तो उसके दिखाना चाहता हूँ सिर्फ 15 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, तो मैंने ये चुन लिया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जिप कोड मतलब पिन कोड सिटीज या रीजन्स में दिखाना है तो आप ये क्लिक कर लो, वहां पर आप अपने पिन कोड वगैरह ये सब चीजें चुन लो, बट बेस्ट यही रहेगा लोकेशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर एड में। अब इसको नेक्स्ट कर दो, अब जब इसको नेक्स्ट करोगे फिर आप आगे बढ़ जाओगे। अब आपको एक बजट चुनना पड़ेगा, ऑब्वियसली मतलब डेली बजट आपको जितना भी रखना है वो आप अपने हिसाब से रिकमेंडेड ये है ये है, और आप अपना बजट भी डाल सकते हो क्लिक करके यहाँ पर, ठीक है, कि आपको कितना रखना है, बढ़ाना है घटाना है, ठीक है, मान लो मैंने 800 रुपये कर दिया तो इस हिसाब से आ गया। करने के बाद मैं कर दूंगा नेक्स्ट, अब जैसे नेक्स्ट करूंगा रिव्यू योर कैंपेन, ठीक है, अब हमारा जो कैंपेन है वो हम रिव्यू कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वगैरह अपने रिव्यू कर सकते हैं, अपना बजट रिव्यू कर सकते हैं, और ये सब करने के बाद दोस्तों हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब जहां पर हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा, अब यहां पर देखो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब यहां पर हमें क्या दिखाएगा, हमारा कितना स्पेंड हो रहा है, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक आ रहे हैं, लोकेशन एक्शन आ रहे हैं, कितने लोग लोकेशन का एक्शन लेकर उन्होंने क्लिक करा, सब दिखाएगा, और जैसे इसमें कुछ फिगर आते रहेंगे, चीजें आती रहेंगी, सब कुछ ये आपको यहाँ पर पूरा डाटा दिखाएगा, अपडेट करेगा। इस तरीके से आप जैसे अभी पेंडिंग है क्योंकि रिव्यू में होगा, जैसे ही ये क्या कहते हैं अप्रूव्ड होगा ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, इस तरीके से भी आप ऐड चला सकते हो। अब मैं आपको दूसरे तरीके पे लेके चलता हूं, ठीक है, तो दूसरे तरीके के लिए वापस हम यहां पर आएंगे, मार्केटिंग फंडास के अकाउंट में जाएंगे, फिर दोबारा से अब यहां पर हम फिर से कैंपेन्स में आएंगे, ठीक है, ये तो वो वाला कैंपेन हो गया जो मैंने अभी आपको दिखाया था बनाया था। अब एक और तरीका दिखाता हूं, फिर से न्यू कैंपेन में जाएंगे, फिर से ये करेंगे क्रिएट विदाउट गोल, मैंने अभी स्मार्ट एड दिखाया था, अब हम लोकल पे जाएंगे, अब लोकल एड दिखाएंगे। अब इधर भी पूछ रहा है अपनी बिजनेस लोकेशन या एफिलिएट, तो मैं अब योर बिजनेस लोकेशन ही करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी कैंपेन डिटेल्स वगैरह भरूंगा, अपना बजट भर दूंगा, मान लो 500 रुपये दिन का बजट है मेरा, ठीक है, यहाँ पर दो ही चीजें हैं, ठीक है, ये स्टोर विजिट तो फिक्स है, ठीक है, ये तो होगा ही, बाकी इनमें से आप चूज करना चाहते हो कि क्या आप चाहते हो ड्राइव एक्शन मतलब कोई लोकेशन क्लिक करके मैप के थ्रू आए या फिर आपका कॉल क्लिक्स करके आए, तो वो आपके हाथ में आपको रखना है हटाना है,
बाकी स्टोर विजिट तो होगा ही होगा, ठीक है, ये फिक्स है बिकॉज हम लोकल एड चला रहे हैं। फिर यहाँ पर स्टार्ट एंड डेट करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट तो हमारे है नहीं तो प्रोडक्ट फीड हमें करना नहीं, जरूरत नहीं। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो फिर अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वो एड ग्रुप का नाम दे दूंगा, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, लिंक लगा देता हूँ अपनी वेबसाइट का, मार्केटिंग फंडास का यहाँ लगा दिया। यहाँ पर मैं एक पाथ डाल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है, ये मैंने कर दिया, मेरा पाथ आ गया। यहाँ पर मेरे को अपटू 5 हेडलाइंस डालनी है, 5 डिस्क्रिप्शन डालने और कॉल टू एक्शन डालना है और इमेजेस लोगो लगाना है। अब ये जो मेरा एड है ना दोस्तों, देखो गूगल मैप पे ऐसे दिखेगा, सर्च पे ऐसे दिखेगा, देखो ना कॉल डायरेक्शन सब लोकल लिस्टिंग, यूट्यूब पे ऐसा दिखेगा। तो ये दो तरीके से आप एड बना सकते हो, चला सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर लोकल एरिया में विजिबिलिटी बढ़ाओ, ज्यादा से लोगों को अपने स्टोर पे लाओ, ज्यादा से कस्टमर आपको कॉल करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और गूगल एड्स को अगर बहुत डिटेल्ड में सीखना है तो ऑलरेडी 20 घंटे का टोटल ट्यूटोरियल मेरे चैनल के अंदर है, उससे अच्छे से पूरा कंप्लीट गूगल एड्स सीख सकते हो। और उसके साथ साथ प्लेलिस्ट में अगर आप सिंगल सिंगल वीडियो सेपरेट सीखना चाहो तो प्लेलिस्ट के अंदर भी है, वहां से भी सीख सकते हो गूगल एड्स की। उम्मीद करता हूँ गूगल माय बिजनेस का कोर्स आपको अच्छा लग रहा होगा, आप काफी सीख रहे होंगे। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बेहद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जिसमें कि आप डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज और प्रोफेशनल्स के संग जुड़ सकते हैं, वहां पर आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं, वहां से नॉलेज ले सकते हैं। तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं और ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।